इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, रूहें उनकी भटकती है मरते मरते जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। तो डायन एक विद्या है, इसका पूरा प्रोसेस होता है और आम जैसे दिन की रोशनी में तो इसको कोई कर ही नहीं सकता। ये है डायन और जो चुड़ैल होती है ना, दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो चपेट में आए तो उनको बड़ी मुश्किल से तंत्र मंत्र करके जैसे छुड़ाना पड़ा था। तो वैसे मैक्सिमम में हमने यही सुना है कि चोटी अगर इनकी पकड़ ले तो आप इनको कवर कर सकते। शमशान इलाके में इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है? पर कहा जाता है कि जो शमशान घाट है ना, वो तो पवित्र जगह मानी जाती है। शमशान घाट पवित्र जगह है हाँ। लेकिन अब रूहें तरह तरह की होती है, मतलब कि एक तरह से मतलब कि प्रकट होते हैं। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ना, ये जो पत्ता है ना, ये कहाँ से गिरा भाई? तो भी गिरा भी से साइड कर दो। अगर कोई एक्सीडेंट में भी मरा होगा ना, जिस स्पॉट पे जिस जगह पे डेथ हुई होगी, वहाँ जा करके उसकी सांसों को इकट्ठा करना पड़ता है। इकट्ठा किया जाता है। बढ़िया परछाई, लाल कलर का सूट, व्हाइट कलर का पजामा, बाल आगे को बिखरे हुए, कुछ नहीं है, एक हाथ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बंदे आए 10, बंदे आए 100, बंशीरा साथ में खड़ा हुआ, सबको लिटा देगा। मनु त देव, नहीं मनु त रक्स। और ये बलि जो आम झटके की तरह नहीं होती, उसमें क्या होता है कि सीना चीर करके धड़कता हुआ दिल निकाल के रख देते हैं पत्थर के ऊपर। चुड़ैलें जब अपने जैसे ध्यान में मतलब अपनी बैठती है, ये जीभ निकाल के बैठती है। अच्छा। और इनकी जीभ आम जैसे हमारे फिजिकली अभी है इतनी नहीं, इनकी जीभ होती है पूरी प्लेटें मार के। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा डरावना भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और क्योंकि आज इस एपिसोड में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे भूत, चुड़ैल, डायन, चेट्टू, बन राक्षस और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डीप हमने बातें की है। तो मतलब अगर कोई थोड़ा कमज़ोर दिल वाला है तो वो थोड़ा ध्यान से देखें। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो इससे पहले भी 2 बार हमारी पॉडकास्ट में आ चुके हैं। वो है हमारे भाई देवेंद्र भाई, जिन्होंने पिछली पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी उन्होंने, और इस बार भी वो बहुत ही डीप टॉक के साथ हमारे बीच आ चुके हैं। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। देवेंद्र भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। और आज की जो पॉडकास्ट है मुझे लगता है बड़ी थोड़ी सी डरावनी होने वाली है जी, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि वैसे इत्तेफाक तो क्या कहें, लेकिन दिन भी आज ऐसा शुरुआत हुआ है कि पौष महीना हमारा लग गया है। अच्छा। जो लोकल जैसे हमारे जो देसी महीने के हिसाब से, और आज ही की डेट से जो देवी देवता भी स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं पूरी कुल्लू घाटी के। अच्छा। तो एक तरह से इसे काला महीना भी कहते हैं। अच्छा, काला महीना। अरे ये तो बड़ा वो हो गया कि आज ही के दिन हमने पॉडकास्ट शुरू किया। मैं भी वैसे सोच रहा था जब आपने शूट के लिए बोला था, तो मैंने भाई ने टाइम भी ऐसा जबरदस्त चुना। नहीं पर भाई ये मेरे को इसका आइडिया नहीं था कि आज के दिन मतलब सारे देवता स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं और अभी भूत प्रेतों का ही राज है असल में। जी दरअसल होता ऐसा है कि जब पॉजिटिव एनर्जीज इलाके में कम हो जाए तो नेचुरली जो ताक में बैठी होती है डार्कनेस, जी हाँ, तो हमारे जैसे सियाने बुजुर्ग भी बोला करते थे कि जैसे न्यारा महीना जब भी शुरू हो, एक तो हमारा न्यारा महीना इसे सितंबर, अगस्त, सितंबर के आसपास भी आता है, एक्चुअल में वो न्यारा महीना होता है, और उसमें जैसे अपने देव स्थानों पर एक दीपक ज़रूर जलना चाहिए। अच्छा जी। और ये वाला जो काला मंथ इसलिए भी होता है क्योंकि पौष मास में सारे देवी देवता इंद्र के दरबार में हाजिरी भरने के लिए जाते हैं। तो जो भी अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी लेखा जोखा होगा या अब तक का जो भी काम, वो सारा का सारा जैसे एक तरह से रिपोर्ट करते हैं जी। तो इंद्र के दरबार में सभा होगी और वहाँ पर सभी अपना अपना जो जिनको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देवी देवताओं की जैसे होती है, अब जैसे आपकी और हमारी वर्क प्लेस पर होती है, वैसे ही हमारे जो देवी देवता है इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ये एक तरह से अपना ये अब तक के किए गए कामों को ले करके और अगले आने वाले साल के लिए जो इनको एक जिम्मेवारियाँ जो देते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी देवी देवता अपने यहाँ हमारी जगह से जा चुके हैं। अभी इस वक्त करंट हमारे यहाँ पर है डायनों का जी, और अपने भूत पिशाचों का इराज है इस समय ना। देखिए भूत पिशाच हो, डायने हो, नेगेटिव एनर्जीज, ये हैं एनर्जी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ऑरा किसका तेज़ है। अब आपने कई जगह नोटिस किया होगा कि नेगेटिविटी कई ऐसे प्लेसेस पे आप जाते हैं, सुनसान जगह या कुछ नेचुरली डर लगना, अब मंदिरों में जाते हैं तो इसके बिल्कुल उलट होता है, पॉजिटिविटी आती है, एक वहाँ का माहौल, एक वहाँ की जो धूप अगरबत्ती की जो खुशबू होती है तो उसका एक अलग ही एक नेचर का मज़ा होता है एक, तो एनर्जीज है। लेकिन अब एक जगह पर दोनों चीज़ें बैलेंस करने वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जो हमारे देवी देवता है, अब चलिए आप और हम इंसान जो अपनी जो हमारी जो इतनी नहीं है दृष्टि, इतनी हमारा नॉलेज ज्ञान का नहीं है लेवल की हम इन सारी चीज़ों को देख सके, लेकिन देवी देवता जो है ये उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये उसको कंट्रोल करते हैं। मुझे लगता है मैंने ना दिन भी गलत चुन लिया और समय भी मैंने गलत चुन लिया रात का। नहीं चलिए तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज पॉडकास्ट करना। अब ऐसा अब ईश्वर की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तो चलो, हमको कुछ होने मत देना। और जगह भी ऐसी चुनी है, साथ में नदी है जी 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 जी, और घराट घराट होता है ना पुराना, वो भी तो साथ में। चलिए ये भी एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें जुड़ गई है। मैंने कोई प्री प्लान नहीं था मेरा, था ऐसे कि मैंने बोल तो रहा हूँ आपको कि जब आपने मेरे को बताया कि भाई हम नेक्स्ट पॉडकास्ट, आपने वैसे मुझे अभी भी याद है भाई हम करना चाहते हैं भूत प्रेतों के ऊपर, और मेरे दिमाग में एकदम से यह आया कि अब इसे क्या बोल सकते हैं, विधि का विधान बोल सकते हैं आज, या शायद जगह भी हमारी स्केरी है इस समय, टाइमिंग भी रात की है और अपना दिन भी है जिसमें देवी देवता प्रस्थान कर चुके स्वर्ग की तरफ। मुझे लगता है आसपास ना आसपास वही शक्तियाँ जो हमें देख रही हूँ। चलिए अब ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक मैं आपको एक अच्छी बात ये भी बताता हूँ कि सारे देवी देवता भी स्वर्ग प्रवास पे नहीं जाते। अच्छा, कुछ एक ऐसे है जो रहते हैं, मैक्सिमम जहाँ तक काउंटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 300 के आसपास हमारी कुल्लू घाटी में इस वक्त 300 के आसपास देवी देवता जो है अपने अपने मूल स्थान से स्वर्ग प्रवास पर जा चुके हैं। नहीं तो ये हमारे हिमाचल में होता है कि ऐसे उत्तराखंड साइड वहाँ भी होता होगा ऐसा रिवाज है ये। अपने लोकेलिटी के हिसाब से मैं जो जानता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। पौष मास हमारा साइंटिफिकली बोलें या हमारे जो रीति रिवाजों के हिसाब से बोलें, अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूं तो ये हमारा इस वक्त पीक है सर्दियों का ना जी। इस समय आप मौसम भी ठंडा, वेदर भी आपको धूप वगैरह उतनी, मतलब तेज़ धूप जिसको हम बोल सकते हैं, गर्मी बहुत हल्की लगती है। और इस वक्त जो है हमारे जो जैसे बैक्टीरिया कीटाणु वातावरण में, आप जैसे धूल धुआं आप देख रहे हैं, जंगलों में आग लगा रहे, ज़्यादा पनपते हैं जी, तो बीमार आदमी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है, पौष को जो थोड़ा जैसे डल, मतलब कि एक तरह से निष्क्रिय माना जाता है। तो दूसरा हमारा, अब हमारे जो देवी इतिहास के हिसाब से, जो हमारे कुल्लू के संस्कृति के हिसाब से बात करें तो यही मंथ में देवी देवताओं का स्वर्ग प्रवास पे जाना और अगले साल के लिए उनका जो पूरी जो एक तरह से जो वर्क चार्ट वो तैयार करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या दूसरी जो उनकी जो कार्रवाई होती है तो उसका पूरा का पूरा उन्होंने एक सिस्टम जो बनाना होता है। तो आज के दिन में वैसे जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 300 के आसपास देवी देवता स्वर्ग प्रवास पर इस समय जा चुके हैं, 1 महीने के लिए जी पूरा। इसमें कुछ देवता पूरे 1 मंथ के बाद वापिस आते हैं, कुछ 2 मंथ के बाद। हमारे बिजली महादेव जी है जो थोड़ा लेट जाते जी, जाते भी लेट है और आते भी लेट है ना जी। तो भाई जैसे ना हमने ना बड़ा ज़्यादा सुना हुआ है डायन शब्द, हमने कहानियों में जैसे लिखा होता है ना, पढ़ा भी है और सुना भी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सा शब्द है डायन जी। लेकिन इस बारे में ना लोगों को डेप्थ में डीप नॉलेज नहीं कि डायन होती कैसी है जी। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताओ कि डायन क्या चीज़ है। भाई अब अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो ये वो ज़रूरी नहीं कि मतलब कि ये मरने के बाद वाली चीज़ें हों। अच्छा, अब ऐसे माना जाता है ना भूत भाई जो जिनकी रूहें नहीं होती, मतलब जो फिजिकल इस तरह के शरीर में नहीं होते, वो आत्मा के रूप में या ऐसे भटकती हुई रूहें जो किसी एक्सीडेंट में या कुछ अकाल मृत्यु जिनको बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि ये जो रूहें सिर्फ मृत्यु के बाद ही, ये जैसे आप और हम इस वक्त ह्यूमन फॉर्म में हैं, इसमें भी हमारे ये चेहरे होते हैं। अच्छा जी, असली में ये है, ये एक विद्या है जी, एक स्टडी है, एक विद्या है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब जैसे हम नौकरी करने के लिए, जैसे हम हमारे माता पिता हमें स्कूल भेजते हैं एजुकेशन लेने के लिए, अब स्कूल आते हैं, हम अपना एजुकेशन करते हैं, अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं, फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हमारा जो स्कूल में स्टडी करने का मतलब है, कोई आर्ट्स चुनता है, कॉमर्स चुनता है, कोई साइंस चुनता है, कोई नॉन मेडिकल, इस तरह से। तो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, और एक हम गोल, हमारा एक लक्ष्य होता है कि भाई अचीवमेंट हमें क्या क्या पाना है ज़िंदगी में, क्या बनना है हमें। अब ये तो आ गई आप और हम इंसानों की जो नॉर्मल लाइफ मतलब एक जी रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन हम ही में से कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी की भागदौड़ में जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम यश कीर्ति हो, तो वो उनका क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम जो इस भागदौड़ के चक्कर में फिर उल्टी सीधी गतिविधियों में पड़ जाते हैं। जी, तो अब इसमें जो डायन वाला आप बात कर रहे हैं, तो इनमें मैक्सिमम में क्या होता है कि ये एक तरह की तांत्रिक प्रक्रिया है, विद्या है ये, है तो वो आप और हमें से ही, लेकिन उनका जो रास्ता है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं वैसे थोड़ा तो क्या, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये तो वो चीज़ है जो सोचना या बात करना या इसके बारे में मतलब कि जानना हो तो फिर हमारे इन बुज़ुर्गों के टाइम से ही, मतलब कि डायन के नाम से ही मतलब कि खौफ, जी, मतलब कि डर ना, मतलब किसी को आप अगर जैसे, अब ये तो चलो समाज की बातें हैं कि यार ये तो डायन है, तो मतलब कि वो फिर काफ़ी एक, और चुड़ैल अलग चीज़ होती है सेम ही, हाँ सेम ही है ये, बस इनके लेवल्स अलग अलग बोल सकते हैं आप काम करने के। तो आपने कि जैसे हम हमारे और आपकी फॉर्म में एक पार्ट ये है जी, दूसरा पार्ट फिर वो दूसरा वो ही अब सेम वे में जैसे किसी की काल मृत्यु हो गई हो, जैसे एक्सीडेंट में किसी प्रकार की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई हो, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, रूहें उनकी भटकती है मरते मरते जिनकी इच्छाएँ अधूरी रह जाती है। हर किसी के बारे में ऐसा नहीं होता, लेकिन 10 में से 2 या 3 ऐसे ज़रूर होंगे कि बेचारे किसी अब वही सेम वे में कि इच्छाएँ तो सभी की होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो इच्छाएँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। जी, अब कोई प्रतिशोध की भावना से मरा, किसी की आप अब जैसे डेथ या किसी को मार पिटाई में आपने सुना होगा कभी किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो जाते जाते अगर किसी ने अगर मन में ये विचार रखा हो कि भाई मैं तेरा लेके जाऊँगा, तो कहते हैं कि वो पलट के आता है, फिर पलट के आएगा ना फिर वो, और वो होता भी बड़ा बुरा है। तो जो है डायन एक प्रकार की है विद्या, और इसका प्रोसेस होता है पूरा। वैसे किसी को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये ना करने वाले को ठीक होती है, और जो करके इसका किसी के ऊपर प्रयोग करता है फिर उसको तो भगवान ही बचाए। तो डायन एक विद्या है, इसका पूरा प्रोसेस होता है, और आम जैसे दिन की रोशनी में तो इसको कोई कर ही नहीं सकता। ये है जैसे इस वक्त, जैसे आधी रात या इसके बाद का टाइम पीरियड है, जिसमें कि पूरा वो जो स्टडी पूरी उनकी जो विद्या, और सेम वे में अगर हम बोलें तो जैसे हम किताबी ज्ञान लेते हैं ना, एजुकेशन लेते हैं, तो ये भी वैसा ही है। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि डायन और जो चुड़ैल होती है ना, दोनों में क्या फ़र्क होता है? एनर्जी नेगेटिव है, काली शक्तियाँ हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके लेवल अलग अलग होते हैं। मतलब सबसे तगड़ी कौन है, डायन है चुड़ैल? जो बड़े लेवल पे है तो वो डायन ही है फिर। अच्छा जी, क्योंकि डायनों का जो मतलब जैसे स्कीम की जो जानकारियाँ हैं, ये सिर्फ हिमाचल या जैसे सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है। अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेनरों में भी ये चीज़ें हैं। अच्छा है, उनको कुछ किसी और नाम से बोलते होंगे ना, सेम इन्हें विचिज़मा कहा जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। आपने वैन हेल्सिंग मूवी देखी होगी, देखी है ना, लंबे लंबे दांत वाली, वो पंख लगा के उड़ने वाली। वैसे डायन चुड़ैलों में एक फ़र्क जो मतलब इन बातों से निकल के आता है, तो जो चुड़ैल होती है इनमें मैक्सिमम में बताया जाता है कि इनके जो बॉडी के पार्ट होते हैं ना, जैसे किसी की जीभ लंबी होगी या कोई ऐसे होंगे जिनके पंख होंगे, मतलब वो नेचुरली, मतलब कि वही वो विद्या ही है उनकी, बस वो ऐसा है कि वो रिवील ओकेजनली करती है। अच्छा, या हमने तो ऐसे ऐसे केस तक सुने हुए हैं कि जिसमें कि जब ये अपनी जैसे एक तरह से अब हमारे महापुरुष जो साधना में बैठते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेम वे में ये चुड़ैलें भी करती है। इनका भी टाइम होता है। अब जैसे सिद्ध योगी जो होंगे वो एक दिन के उजाले में या कहीं गुफाओं में बैठ करके अपने सुनसान इलाके में, मतलब, लेकिन वो पॉजिटिव वे में करते हैं। उनकी सिद्धि परम की ओर होती है, सुप्रीम की ओर होती है। लेकिन जो चुड़ैल जिनका हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इनका जो एरिया होगा, प्लेस होगा, वो जैसे कोई चौराहा या बहुत ही सुनसान घना जंगल या कोई बहुत ऐसी कोई डरावनी सी, मतलब कि गुफा, या जहाँ मतलब कि जंगली जानवर या ऐसे, मतलब वर्जित, हाँ, मतलब वर्जित नहीं, मतलब रिस्की भी इलाके, मतलब रिस्की इलाके, मतलब जान का खतरा जहाँ बना रहता है। और कहते हैं कि इनकी कहीं किस्से तो हमने ऐसे भी सुने हैं कि जो चुड़ैल ने जब अपने जैसे ध्यान में मतलब अपनी बैठती है ये जीभ निकाल के बैठती है ये। अच्छा। और इनकी जीभ आम जैसे हमारे फिजिकली अभी है इतनी नहीं, इनकी जीभ होती है पूरी प्लेटें मार के ज़मीन पर पूरा लपेटा मार करके। और ऐसा भी कहीं कहीं हम इसमें हम किस्से सुने हैं कि जैसे इस टाइम अगर किसी ने इनको जैसे वो कर दिया ना असली रूप में देख लिया तो बंदा क्लोज तो डर की वजह से या फिर उसकी जो वो नज़ारा ही आप समझ सकते हैं कि वो कैसा हो सकता है। हमें ना सिंपल आम इंसान देखने की आदत है। देखो जैसे नॉर्मल इंसान होता है, हम कुछ अजीब दिख लें, चार हाथ, हाइट लंबी, जीभ बाहर, जीभ से बाल खुले तो भाई नेचुरली इंसान तो वैसे ही तो बल्कि। पर ऐसा है कि कई मैंने जैसे अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं गड़स थोड़ा अपना एक तरह का अलग ही तरह का माइंड सेट रखते हैं, मतलब उन्हें घबराहट नहीं होती, जैसे झरकते नहीं है वो जैसे। तो कहते हैं कि वो दबोच भी लेते हैं इनको चुड़ैलों को। अच्छा ऐसा भी हुआ है। या तो इनकी चोटी पकड़ लो, वैसे मैक्सिमम में हमने यही सुना है कि चोटी अगर इनकी पकड़ ले तो आप इनको कवर कर सकते फिर वरदान भी ले सकते हैं इनसे ना। वैसे इसे वरदान नहीं बोलेंगे आप। अच्छा वरदान नहीं बोलेंगे, इसे वरदान सिर्फ देवी देवताओं से मिलता है। हाँ। ये एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव है वो वरदान नहीं देते, आप उनसे समझौता कर सकते हैं। वश में करना, काबू में करना, ये बात। फिर उनसे कुछ भी मांग सकते हैं ना। इनमें वैसे इतनी एबिलिटी नहीं होती कि आपको बहुत कुछ दे सके, लेकिन इतना है कि जैसे इनका पर्पस क्या है। अच्छा। ये किस वे में किस चीज़ के लिए ये साधना कर रहे हैं। जो भी ऐसे भूत प्रेत को जैसे जो एक्टिविटी करते हैं, जो इस तरह की जो साधना करते हैं, इनका एक मकसद होता है, या तो एक या तो फिर दो या तीन। अच्छा। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई बहुत ही बड़े लेवल पर मतलब कि ये एक्टिविटी करे कि पाना चाहे। इनका मैक्सिमम एक ही होता है, या तो लंबी उम्र या तो सुंदरता भी दे सकते हैं। लेडीज का मैक्सिमम का यही होता है कि इनका यही होता है कि खूबसूरती। और आपने हमारे कुल्लू कल्चर में के अलावा और भी जो हमारे जो भारतीय इतिहास में अगर कभी इस तरह की जो घटनाएं घटी है तो मैक्सिमम आपने ये किस्से ज़रूर सुने होंगे कि बड़ी सुंदर सी युवती दिखी, सुंदर सी लड़की दिखी भाई। तो अभी आदमी हैरान परेशान कि भाई सुनसान इलाके में इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। एक्चुअल में ये वो रूह होती है, ये वो पर्सनैलिटी होती है जो एक तरह से अपना उस वे में चली होती है। मतलब अब हमारे में अपने नज़दीकी आपको रामशिला गेमन ब्रिज के आसपास की किस्से सुनाता हूँ। तो अभी रिसेंट भी हमारे साल पहले भी बल्कि न्यूज़ में भी ये बातें आई। अच्छा। और इसमें ऐसा भी हुआ है कि बेचारे जो चपेट में आए तो उनको बड़ी मुश्किल से तंत्र मंत्र करके जैसे छुड़ाना पड़ा था। तो हमारे एक नोन के ही है वहाँ रामशिला में, तो न्यूज़ एजेंसी चलाते हो रामशिला जो मेन शंगरी बाग मार्केट है। तो हुआ क्या कि वैसे वो है पंजाब के। अच्छा। तो मैं उन्हें है काफ़ी अच्छे है और दादा बोल के मैं उन्हें संबोधित करता हूँ। तो ये उन्होंने किस्सा बताया मुझे लगभग 18-19 के आसपास का, 2018-2019 का। शंगरी बाग से जो गेमन ब्रिज का लगभग जो 500 मीटर का दायरा है, तो उनका जो रूम थोड़ा गेमन ब्रिज की तरफ को पड़ता है मार्केट से। तो उनकी जो डेली रूटीन की रात को 11-12, 11:30 आराम से उनको शॉप पर ही बजा। तो एक दिन वो उनके साथ होता है कुत्ता पाला हुआ ना पालतू कुत्ते। तो कहते हैं कि घर जा रहे हैं, अपने रूम की ओर जा रहे हैं आधी रात के वक्त, 11:30-11:15 आम उनका ये टाइम। तो मुझे उन्होंने बताया कि मैं रूम की ओर जा रहा था रात के वक्त, तो हमारा जो अब गेमन ब्रिज से मुड़ते हैं बिजली महादेव होके, तो वो वहाँ से एक क्या बोलते थोड़ा सा क्या करके अब गैस एजेंसी है उसके साथ ही रोड जाता है ऊपर को। हाँ। उस पॉइंट पे हालांकि मैंने सुना था कि वहाँ होती रहती है एक्टिविटी। अच्छा। होती रहती है एक्टिविटी, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने दिया मुझे दादा ने। अच्छा। जो वो न्यूज एजेंसी वाले हमारे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने धुन में चला वहाँ पर, हालांकि अपने साथ बल्कि वो डंडा जैसा रखते हैं साथ में बुजुर्ग लोग हमारे बुजुर्ग जैसे ज़बरदस्त होते थे। भाई मैं जा रहा हूँ गेमन ब्रिज के सामने से, मैंने बिजली महादेव के ऊपर रोड की तरफ को चढ़ा मैं, तो वहाँ से जैसे डाउन जैसे आती है हल्की सी ना, तो अब है वहाँ गैस एजेंसी जैसे, तो वहाँ जैसे ये अपना ये सोलर लाइट लगी रहती है जैसे। भाई मैं अपनी धुन में चला हुआ, सामने से देखा भाई परछाई दिखी आती हुई। अच्छा। बढ़िया कोई लेडी दिखी, चमकीला बढ़िया सूट लगाया हुआ है। चमकीला हाँ ये सब अब 11:30 बजे के आसपास 11:30-12 बजे इसके बीच की भाई बढ़िया सूट लगाया हुआ है पूरा अपना जैसे ओढ़ा हुआ दुपट्टा सर के ऊपर से और पर्स डाला हुआ है अभी अच्छा पर्स डाला हुआ बढ़िया भैया मिडिल एज की औरत दिखी और अभी दादा अपने ध्यान में चले हुए और हालांकि वो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि भाई ये मैंने जो है क्या बोलते इस वक्त ये औरत कहाँ जा रही है बोल के वो अपने रूम की ओर चले हुए और अपने धुन में ही भैया अब होगी कहीं जा रही होगी कोई तो बोला हालांकि वो क्रॉस हुई उनके नज़दीक से तो जैसे 15-20 कदम चलने के बाद दादा पीछे मुड़ के देखे गायब अच्छा गायब हाँ। और इसमें शायद जो जहाँ तक मैं जानता हूँ एक अच्छी बात हुई दादा के साथ वो क्या हुई कि उनके साथ था कुत्ता था हमारे सियाने बुजुर्ग हमेशा से बोलते रहे कि कुत्ते ने डरा सी भूत प्रेत भाई अगर आपके साथ आपका पालतू जानवर कुत्ता अगर आपके साथ चले है तो क्योंकि एक तो इनको ये नेगेटिव एनर्जीज दिख जाती है बड़े आराम दिख जाती है जी और हालांकि वो कुत्ता जैसे उसने घुराया भी था उस टाइम ना लेकिन दादा भाई भाई हो तू इसको भाई अब खाना ले कहीं हाँ। पढ़ना जाए कहीं तो उनको बांधा ना लेके चले डंडा लेके तो उसको साइड हो भाई चल तू तो कुछ मैं बोलूँ 15-20 कदम के बाद ही पीछे मुड़ के देखा बोला मैंने और वो हवा तो हमारी ये वाली जो शंगरी बाग वाली जो बेल्ट पड़ती है हालांकि वहाँ शमशान घाट भी है निचली साइड को तो पिछले साल बल्कि ये तो न्यूज़ में भी आई बात और हमारी ज़रा वो रेंज है ज़रा नेवली विलेज की और को थोड़े बीच में कुछ एक पॉइंट ऐसे है सुनसान भी है वो तो कईयों को छापे लगे वहाँ पे अच्छा लगे है छापे पर कहा जाता है कि जो शमशान घाट है ना वो तो पवित्र जगह मानी जाती है शमशान घाट पवित्र जगह है हाँ। लेकिन अब रूहें तरह तरह की होती है हाँ। भाई ऐसा होता है ना आत्माएँ और हालांकि चलो फिर वही बात आई जो मैं हम पहले भी बात कर चुके थे कि जैसे अब दुर्घटना में कोई चला गया अकाल मृत्यु एक तो था उम्र पूरी करके सुख चैन की मृत्यु लेकिन कुछ बेचारे अब आधी अधूरी मौत मरे इच्छाएं लेकर के मरे हुए हमारी अपनी लोकल भाषा में हांगशा बोलते हैं इनको हांगशा भाई आधी अधूरी कोई बात रह गई हो जरूरी नहीं है कि वो बुरी मेंटेलिटी का प्राणी रहा होगा लेकिन वो अंदर की जो इच्छाएं है जो नीड है उनकी जो छूट गई है अब देखो पूरी तो किसी की नहीं पड़ती कोई सुख में कोई दुख में चलती तो रहती है साथ में लेकिन ये है कि कुछ एक ऐसी मैंने आपको जो बोला 10 में से 8 इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती ही होती है कि रूहें घूमती है और जब ऐसी कोई अगर एक्टिविटी होगी तो फिर हाँ भाई मेरे को ना एक किस्सा याद आया इससे ना मैं भी शेयर करना चाहता हूँ जैसे ना एक हमारे कुल्लू में ना एक जगह है छरूडू जी हमारे कुल्लू के रामशिला के दूसरी तरफ से छरूडू जगह है 90s के समय ना आपने सुना होगा कि वहाँ पर पता क्या हुआ था मजदूर काम कर रहे थे बिहार वाले बिहार के तो काफी ज्यादा मजदूर थे हाँ जी हाँ जी तो काम करते करते कुछ ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि पूरा का पूरा पहाड़ी आ गया नीचे 15-20 लोग आए थे उसकी चपेट में 15-20 लोग आए थे ये 95-96 की बात है ये जैसे हमारी अभी जो डिजास्टर हुई थी ना सेम उस टाइम भी उस समय ऐसा हुआ था कि सारे के सारे बंदे मतलब क्लोज हो गए तो उसके काफी समय बाद जैसे वो रोड जैसे वो गिर गया उसका तो टेम्परेरी सा बना दिया हाँ जी है ना ताकि गाड़ियाँ चल सके मतलब उसके वो तो नीचे दब गए बेचारे सारे तो उसके ऊपर से एक टेम्परेरी सा एक रास्ता सड़क सी बना दी कि चलो जाती बार आसानी हो जाए और उस समय उस अपना वो लेफ्ट बैंक से जाना ना लोग प्रेफर करते थे क्योंकि वहाँ से जल्दी पहुँचते थे मनाली की तरफ हाँ जी हाँ जी तो एक बंदा था एक नहीं 2 बंदे थे शायद वो तो वो जा रहे थे बाइक में और ठीक उसी पॉइंट पर ऐसा हुआ था कि अंधेरा था रात की बात है सामने से एक मजदूर दिखाओ ना उसी पॉइंट पर जो कि ऐसा बता रहा है कि भाई यहाँ से रास्ता ये वाला रास्ता है ये वाला नहीं है यहाँ से जाओ ठीक है ऐसा बता रहा था वो मजदूर ठीक है और वो बाइक लेके गए और जिस तरफ से वो बता रहा था ना वो थी खाई और जो सही रास्ता था उस तरफ को उसने इशारा कर दिया कि इस साइड मत जाओ तुम जाओ खाई की तरफ जाओ तो बाइक आई उन्होंने भी होता ना नेचुरली कि चलो कोई बाहर रास्ता बता रहा है तो चलो ठीक है रात के अंधेरे पता नहीं चलो मजदूर है बता रहा है कोई वो गया और उन्होंने सीधा रास्ता ना लेकर उन्होंने खाई में ये दरअसल इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं होता क्या है कि ये भ्रम डालते हैं ना जी इसे माया जाल भी बोलते हैं माया जाल मैक्सिमम ऐसी एक्टिविटी वैसे चलिए वो तो गरीब मजदूर रहे रूहें भटकती है जिनकी ये तो आपने एक नेगेटिव मतलब कि एनर्जी का ही एक पॉइंट बताया लेकिन कई बार यही रूहें आदमियों की हेल्प भी करती है जी वो किस तरह से यदि मेन बात फिर वही आती है मेंटालिटी आदमी की आदमी कितना सोशल है अब मैं इस एक राजस्थान की यही एक घटना है कि थोड़ा सा अगर मैं लेकिन है एक्चुअल में ये घटना भारत की है। यंग एज में जो यंग एज तो नहीं मिडिल एज के ही थे भाई एक, तो वो अपनी बुलेट से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे वो रोड एक्सीडेंट में और उनकी डेथ हुई थी। तो कहते हैं कि आधी रात में अभी भी वो मतलब जिस पॉइंट पे उनका जो एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर अभी भी उनकी रूह दिखती है। और जैसे ऐसे कई केसेस सुनने में मिले हैं कि हादसे होते होते रह गए। अच्छा, मतलब रूह दिखती है, मतलब किस तरीके से दिखती है? मतलब जैसे परछाई दिखती है उनकी, परछाई दिखती जी है। बस वो हवा में आर पार है एक्चुअल सेम वे में। बॉडी आराम से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मतलब कि भाई वो जैसे एक तरह से कोई आत्मा रूप में है। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं, ये एक केसेस नहीं, ऐसे कई केसेस हुए हैं कि ऐसे कोई रिस्की पॉइंट पे जहाँ ऐसे लोगों की जो डेथ हुई हो और वो मतलब कि एक तरह से मतलब कि प्रकट होते हैं, मतलब सेम वे में अवेयर करने के लिए कि भैया आप यहाँ ध्यान रखें या यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना होती रहती है। और बाद में कहीं मैं ये सोच रहा हूँ ना, ये जो पत्ता है ना ये कहाँ से गिरा भाई? क्योंकि ये तो हमारे पेड़ तो ये है देखो ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये पत्ता कहाँ से गिरा? ये गिरा, अब जो भी गिरा भी इससे साइड ही कर दो। क्योंकि दूर दूर तक ये वाला क्या किस चीज का कुछ नहीं है? इसका ही है, इसका नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इसका नहीं है, पीछे भी है वैसे। और वो तो मैं समझ गया ना, पर नहीं यार भाई, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, ये हवा से उड़ के आते हैं ना, वो तो पीछे पेड़ है, वो है पीछे पेड़ देखो। अच्छा, हवा से उड़ के आया हुआ है। मैं करना पॉडकास्ट में मत डालना इसको। नहीं, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये नॉर्मल है क्योंकि ये तो जनरल हो। तो कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें कि ये रूहें इंसानों की जान भी बचाती है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, गूगल सर्च करना, आपने कई जगह के केसेस ऐसे सुनने को मिलेंगे। एक चीज मेरी और है ना, देखो जैसे हमारे यहाँ पर है मॉल में भी एक जगह जहाँ पर क्या अगर कोई इंसान मर जाए ना तो उसका परिवार जाता है उस जगह पर, उस मंदिर में एक जगह पर पूछने, और उनसे बात होती है कि भाई तेरी कैसे मरा था तू, कैसे क्या हुआ था। तो पर्दे के वहाँ से बोलते कि आवाज़ आती है उसी इंसान के, उसमें कि भाई मेरी डेथ ऐसे हुई थी। मेरा से एक मेरा दोस्त था तो उसका ना उसका 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 चाचा था कि भाई था, कौन था वो ना, जैसे शराब शरूब पी के अपने मतलब ऐसे होता है ना ढलान से वो गिर गया और उसकी डेथ होगी, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। फिर उसके घर वाले पूछने गए भाई कैसे तेरे को मारा किसी ने, तू कैसे, हम पता तो करें। तो मेरे को उसने स्टोरी बताई थी कि भाई हम गए थे ऐसे ऐसे, तो फिर वो पूछने गए आत्मा के पास, होता नहीं आत्मा को भी पूछते हैं। तो एक जगह है देखो मॉल में बताई जाती है एक जगह, तो वो पूछा भाई कैसे हुआ था क्या हुआ, तो पर्दे के वहाँ से आवाज़ आई, बोला नहीं यार, बोला मैं ना गिर गया, बोला शराब पी के गिर गया, मेरे को नहीं मारा किसी ने, चोट लगी मेरे सर में या ऐसा लगा, मैं तो इस तरीके से मैं मर गया हूँ, तो मेरी चिंता मत करना, मेरे को ऐसा है, मेरे को प्यास लगती रहती है, बोला तो मेरे लिए पानी के लिए, बोला सुबह सुबह पानी दिया करो कौओं को, कुछ दो, कुछ ऐसी औपचारिकताएं बताई उसने। तो भाई इस बारे में आपका क्या कहना है, ये चीज़ क्या सत्यता है इसकी, क्या हो सकता है ऐसा? ये है एक्चुअल में है और रियलिटी है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ऐसी विद्या जानने वाले लोग बहुत है हमारे पास और बोला ही जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि चलो आप किसी विद्या जानने वाले के पास ही जा रहे हो। लेकिन जब आपको हिंदू धर्म में हमारे संस्कृति में जब दाह संस्कार किया जाता है ना तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती है। अगर कोई अकाल मृत्यु मरा हो तो अगर कोई एक्सीडेंट में भी मरा होगा ना, जिस स्पॉट पे जिस जगह पे डेथ हुई होगी वहाँ जा करके उसकी सांसों को इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा किया जाता है उसकी सांसों को, यानी कि एक तरह से रूही होती है उसकी। अब ऐसा होता है ना, अब इसे अगर हम साइंस के वे में बात करें, एनर्जी, फिर वही बात आई, ऊर्जा, ठीक है। अब कोई घटना घटी, फिर वही वे में आदमी की थॉट्स, आदमी की अपनी अंदर की इच्छाएं, उसकी अंतरात्मा में कई तरह के ऐसी कई बातें, तो होता क्या है कि वो बिखर जाती है एक तरह से, तो सांस से आदमी की छूट जाती है ना। अब वो आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अब थोड़ा क्रिटिकल जैसा हो जाएगा कि शरीर के अंग भंग हो जाना, तो कैसे उनको इकट्ठा करके, अब उनको छोड़ तो नहीं सकते ना, दाह संस्कार तो करना पड़ेगा। क्योंकि हमने मनुष्य योनि में, मानव योनि में जन्म लिया। सेम वे में जो हमारी ये जो अंतरात्मा होती है ना, हमारी जो रूह होती है, हमारी जो सांसें होती है, इन्हें इकट्ठा करना जरूरी होता है। और जैसे अकाल मृत्यु कोई मर जाए ना, जैसे नॉर्मल अगर किसी की डेथ हो जाए, जैसे एज खत्म होने के बाद या कुछ हो जाए, तो सीधा हरिद्वार जाते हैं और प्रवाहित करते हैं, एक प्रोसीजर है। लेकिन अकाल मृत्यु हो जाए तो उसके लिए ना एक अलग प्रोसीजर, कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है, कुछ ऐसा प्रोसीजर है। ये एक इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे इसमें अवैध तीर्थों का मतलब कि जैसे प्रवाह, मेन बात ये बोली जाती है इसमें। तो हाँ, ये सही है कि अकाल मृत्यु में थोड़ा डिफरेंट हो जाती है चीज़ें। क्योंकि बड़ा एक तरह से दर्दनाक हम बोल सकते हैं किस्सा ये, और दुख भी बहुत होता है। तो क्यों अब जीवन आप समझ सकते हैं कि जीवन कोई मतलब कि इसकी परिभाषा क्या है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती है आगे को। तो एक जीवन जन्म के साथ साथ और एक मृत्यु के बाद, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो वो एक्सीडेंट में जो चीज़ें घटना घटती है, किसी की डेथ होती है, तो उसको क्लियर ज़रूर करना पड़ता है, नहीं तो वो आए देर सवेर पर किसी ना किसी को वो मतलब परेशान करेंगी ही करेंगी ये बातें। अच्छा ऐसा है। तो जो डायनो वाला एक था, चलो पर डायनो तो निकल गई बड़ी आगे ना। हाँ, डायनो का एक किस्सा मेरे को, बल्कि चुड़ैल का, भाई मेरे को याद कि मेरे को चुड़ैल दिखी थी, मेरे को दिखी थी चुड़ैल। भाई बताओ ना फिर। 2020 की घटना है ये। हाँ। और शिमला से आ रहा था मैं, मनाली जाना था मैंने। हाँ। तो 4 जने थे हम। हाँ। तो मैंने उस टाइम किसी की टैक्सी हायर की हुई थी। अच्छा। तो मेरे साथ जो 2 अपने साथी थे, उनके थे दरअसल एग्ज़ाम, शिमला से उनको एग्ज़ाम करवा के उसी दिन हम, ये 2020 नवंबर की घटना है ये, 18-20 नवंबर के आसपास की बात है ये। हमारा आज शिरडनी है, सॉरी रायसन छटन सेरी से अगली साइड है। हमारे जो वो जहाँ से अब वो पूरा हाईवे ले गई है नदी, जो पूरा कौन सा है वो होटल का नाम क्या है, शिरड होटल को भी क्लोज। उससे पहले ही आईपीएच वालों की पाइपों का इलाका नहीं है, उस पॉइंट पे ठीक 11:15 बजे हुए थे दिन के, रात के। अच्छा, रात के ठीक 11:15 बजे हुए। रात को क्या कर रहे थे आप? मनाली ले जा रहा हूँ ना अपने उन साथियों को ड्रॉप करने के लिए। मैंने टैक्सी हायर की हुई थी ना, दरअसल मैंने टैक्सी भी मनाली से ही उठाई हुई थी। अच्छा अच्छा। उनके एग्जाम थे तो उन्हें वहाँ से एग्जाम के बाद हम वापस मनाली की ओर प्रस्थान कर चुके थे। भाई साहब अपना शिरड नाला क्रॉस किया, रोड से बाया हाईवे के साथ साथ अपनी धुन में चला हुआ हूँ, बिल्कुल वो आईपीएच वालों का जो पाइप वहाँ गौशाला भी अगली साइड को देखो, सुनसान जैसा है थोड़ा ना, जो उसके वर्कर रहते हो बिल्कुल पीछे रहते हो, डाउन में रहते हैं, रोड से नीचे को उधर करके, बढ़िया परछाई। हाँ। लाल कलर का सूट, व्हाइट कलर का पजामा, बाल आगे को बिखरे हुए, कुछ नहीं है, एक हाथ ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ ना, और ये मेरी मूवमेंट थी बस, 7-8 सेकंड की बात थी वो। कोई ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी रोक दी हो कि मेरे को कुछ हरकत हुई, कुछ तो झटका तो लगा होगा, कांटे आए शरीर में, कांटे आए शरीर में। बढ़िया मतलब कि अपनी मूवमेंट में चले है ना, अब इतना सफर करके ट्रैवल करके चले हुए अपने, एक फ्लो चला हुआ बढ़िया। 11:15 बजे का टाइम था वो, टाइम मैंने देखा, हालांकि मेरे को इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुए थे। गाड़ी क्रॉस और बस वो इस तरह से, और बढ़िया डार्क चेहरा, बाल बिखरे हुए। अच्छा। बस एक 7-8 सेकंड की झलकी दिखी मुझे, और भाई साहब मेरे यहाँ से कांटे शरीर में, रोंगटे खड़े हो गए, मतलब खड़े हो गए। अगले दिन आकर के घर पहुंचा, जब बुखार बुखार तो नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया बुखार, कुछ नहीं आया। अगर आपने रोकी होती गाड़ी तब शायद कहीं कुछ हो सकता था, हड़बड़ाहट में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और घर आया, घर आ करके जैसे पापा को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, पापा ने बोला तेरे को आया देवता, देवता जो वो कांटे आए ना तेरे को, क्योंकि वाइब्रेशन मेरे को हुई थी जैसे गड़गड़ाहट जैसी, तो पापा ने बताया जैसे कि भाई वो तेरे को लगा देवता का जोर, एक तरह से कि शरीर में हरकत होना, वो एक तरह का वही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हमारे वही फिर बात आती है कि अगर जो ग्रीक वर्ड होते हैं उनको पता होता है कि हमारा परिवार का सदस्य अगर ऐसे ऐसे गया हुआ कहीं नेगेटिविटी उसको पड़ सकती है, खड़े हो जाते हैं आकर के। खैर चलो गाड़ी में था, प्रभु कृपा ठीक थी। हाँ, एक ये दशहरे टाइम की बात है, और इसमें ऐसा हुआ था कि इसमें मैं बीमार पड़ गया था। कैसे बताओ जरा? कुछ नहीं, घर को जा रहा हूँ, उस टाइम नाइट प्रोग्राम आपके 12-12 बजे तक चलते थे, 12 बजे तक चलते थे। हाँ। तो जरा 11:30-12 बजे की ओर, 11:15-11:30 बजे घर की ओर चल पड़ा। घर से थोड़ा ही दूर रह गया था, दरअसल हमारा जो पॉइंट जाता है वो नाले के साथ साथ जाता है ना, नाले की जगह ऐसे भी रात के टाइम हमारे यहाँ ठीक नहीं मानते। चला हूँ, पीछे से बस अपनी गाड़ी क्रॉस हुई, एक गाड़ी का डायरेक्शन ज़रा दूसरी साइड को थी, तो मैं मेरे डायरेक्शन की तरफ को, जैसे उसकी सिर्फ लाइट मेरे को दिखी आगे, जैसे ये अपने देवता की रथ की तरह, मतलब क्या दिखा, रथ की तरह, देवता की तरह आकृति, जैसे मेरे से कम 100-150 मीटर की दूरी पे, बस वो जैसे जितनी देर लाइट की झलक पड़ी, वो बिजली महादेव जी के आप बैक साइड से देखते हैं ना, मतलब कि किस तरह की शेप होती है, वैसा जैसा दिखाओ। और मैं घर आके बीमार, 3 दिन रहा बिस्तर में। कोई बीमार नहीं, मतलब एक होता ना कि खा लिया हो कुछ, कि ठंडा गर्म हो गया कुछ, कुछ नहीं, बस रात को 2 घंटे की नींद के बाद ही, मतलब 2-2:30-3 बजे से मेरे को कंपकंपी शुरू, पूरी बॉडी में कंप, 3 दिन के लिए बिस्तरा पकड़ लिया मैंने। मतलब इनको देखना ही एक बड़ा हो जाता है ना। अब रूहें हैं और नहीं बोल सकते, मतलब कि गारंटी नहीं दे सकते कि कब क्या हो जाए, इसलिए रात को थोड़ा बच के रहो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई मैंने बड़ा पंगा ले लिया। रात का टाइम अभी 12 बजे ऑलमोस्ट। अब इसमें एक चीज़ और भी डिपेंड करती है ना, ज़्यादातर अफेक्ट होता है अकेले आदमी के ऊपर। अकेले आदमी के ऊपर ना, और डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है उस टाइम। अभी टाइम ना 12 ही बज गया ऑलमोस्ट हमारे। चलिए खैर टीम है वैसे है ना, और भगवान का नाम लेकर के ही हमने पॉडकास्ट शुरू किया है, शुरुआत की है। तो बाकी ये है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे चाहे बात दिन की हो चाहे बात रात की हो, अगर हम जंगली इलाके में जैसे ऐसे सुनसान पॉइंट पे अगर बैठे भी हो ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, लाउडनेस चीख चिल्लाहट करना है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हर कुछ मतलब कि गंद मचाना जी, इस तरह से मतलब कि वर्वल होना, क्योंकि जो हमारे जंगल है ना वो सिर्फ भूत प्रेत नहीं, वो देवताओं के भी, यहाँ पर शक्तियाँ भी निवास करती है। भूत प्रेतों का बचाव हो सकता है, देवीय शक्तियों को थोड़ा उनके फिर दंड भी तेज होते हैं, क्योंकि उनकी जो दंड होती है वो सीधा करने के लिए, तो भूत प्रेत की मार होगी वो पागल करने के लिए। तो ऐसी कई बातें हैं। अब डायनों के बारे में एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हमारे सैंज घाटी में एक इलाका है जैसे दूर पार के जंगलों में, तो खंडाधार बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर खंडाधार उस इलाके में जो है एक बड़ी शक्तिशाली जो डायन हुई, और उसी जो मतलब कि जो धार है जो वो पहाड़ी इलाका है उसी की मिट्टी से वो बनी हुई। उसकी जो वैसे इस डायन के बारे में उतना तो नहीं है, लेकिन इतना है कि काम इसके मतलब कि अब तो इसे वैसे मार दिया गया है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है, अगर कोई मुट्ठी भर भी ले आए ना और किसी के सर पे छिड़क दे तो वो आदमी उम्र भर उसका गुलाम होगा। अच्छा, जो उसके सर पे मिट्टी जिसके छिड़क देंगे तो वो आदमी उम्र भर के लिए गुलाम बन जाएगा, काबू में हो जाएगा, वश में हो जाएगा, और उसके तोड़ नहीं है, बड़े रेयर तोड़ है उसके। खंडाधार, और जो वो मिट्टी है उसे खंडा राखेड़ा, मतलब उस जो डाकिनी है उसका नाम ही खंडा है, और उसे हमारी आदिशक्ति खंडासना ने मारा। माता का मंदिर है हमारे यहाँ अपर कुल्लू में, तो खंडासना ने उस डायन को मारा था। और ऐसे कई ऐसे किस्से हैं जिसमें कि मतलब कि आपको कई ऐसे मतलब टक्कर, मतलब कि टक्कर के जो भूत प्रेत हुए। मैंने एक चीज़ ना और भी सुनी है बुजुर्गों से ना, कि जैसे एक तो डायने होगी, इनका तो मेल वर्जन भी तो होते होंगे, भूत भी तो होते हैं। भूत ये हमारे पिशाच, भूत प्रेत, भूत जैसे बोलते थे ना, चेटू है ना, ये भी इसी को भी बारे में भी करेंगे। जैसे भूत होते हैं ना, मैंने सुना जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे ना, वो कहते कि भूतों को ना दम रखते थे, वो उस समय के भूत होते थे। मतलब रात को उन्होंने निकलना ना, दिन को उनका क्लोज काम है, और उस रात के अंधेरे में या तो वो खाते थे या तो वो फिर अगर उनको काबू में कर लिया ना तो फिर वो मनचाही इच्छा जी वो दे देते थे। इन्हें साधना मुश्किल होता था ना, क्योंकि ये चलते हैं फिर वंश तक ना। एक बात इसमें ऐसा है कि साध आप सकते हैं इनको, आप हुए आपने किसी प्रेत या भूत को साध लिया, लेकिन अगर वो प्रक्रिया आपने अपने अगले को नहीं दी ना तो वो उनको उल्टा पड़ जाएगा। वगैरह ही इनका जो खाना होता है, मीट लेके चला हुआ है और पीछे से भूत भी हो लिया। अच्छा, भूत भी हो लिया। अब हालांकि जो मीट लिए हुए व्यक्ति है वो निकल जाता है एक्सपर्ट, भाई उसको पता है, उसको तंत्र ज्ञान है, उसको नॉलेज है कि अगर कहीं हमें ऐसी कोई घटना परिस्थितियाँ देखने को मिली तो किस तरह से उनका सामना करना है। उसने क्या किया, उसको पता है कि मेरे पीछे भूत लग गया है, तो जो एक्टिविटी जो प्रोसेस है उसके द्वारा उसने उस भूत को अपने काबू में कर लिया। सेम वे में कि भैया आपको कोई चुड़ैल दिखी, आप उसकी चोटी पकड़ लो। हालांकि ये चीज़ें ऐसी कोई प्रमाण के साथ नहीं है, ये तो वही जानते हैं कि जिन्होंने ये की होगी। और अब चोटी पकड़ने का तरीका भी, अब चोटी तो मान लो पकड़ ली जी, चोटी के साथ जो दृश्य उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा जी। नीतीश भाई, जहाँ तक मैं अगर बात करूँ, अब विचारधारा की बात करूँ तो देखो सबसे बड़ी बात है मन पक्का होना, स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत से मजबूत। किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना करने वाला होना बंदा हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये इम्पॉसिबल है, हो सकती है चीज़ें। अब आज के टाइम में कहीं कोई देव जैसा होता है ना, किसी को रूह चढ़ी होती है, चेटू भूत, तो इस तरह की, अब वो किसी शक्तिशाली देवता के पास उनका निवारण करने के लिए लाते हैं तो वहाँ का स्वरूप दिखाते हैं वो। हाँ। वो तो जो गुरु साहब होते हो तो उनकी देवता की शक्ति है ना उनको। हाँ। किस तरह से वो डेली किस तरह के मतलब कि अब डील करते हैं वो। अब कोई आम अब गुरु बनना भी कोई छोटी बात तो है नहीं। अब आखिरकार उनकी भी अब सिद्धि है वो, आखिरकार उनकी भी वो एक तरह से वो पढ़ाई हुई ज़बरदस्त उनकी वो परीक्षा है वो। नहीं तो आप हमारे सामने कोई ऐसे एकदम से चेटू निकल जाए तो हम तो जो वे में ये जो प्रोसेस है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक मजबूती। मानसिक मजबूती जी, मानसिक मजबूती और हर तरह की रंग रूप देखने का आदमी को ताकत मतलब कि वही एकदम से क्या हो जाए बस अपने आप को संभाल ले। हम एक बार संभाल लिया फिर तो किसी को भी लपेट लो, तो भूत प्रेत को जो संभाल ले तो आम आदमी क्या है उसके लिए। तो सेम वे में अगर आप भूत को कैप्चर कर गए, भूत को सिद्धि कर ली। और वैसे एक बात सिंपल सी बात, भूत भी नियम कायदे कानून को मानते हैं। हाँ, इंसानों से ज़्यादा सीधे साधे वो भी होते हैं। हाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो राक्षसी हड़िंबा दादी हड़िंबा नहीं होती आज। हाँ। राज परिवार कुल परिवार ये सारी चीज़ें आज नहीं होती अगर ऐसा नहीं होता तो कि भाई अगर राक्षस बड़े ही मतलब कि काबू से ही बाहर है, लेकिन रूल्स अंडर रूल्स ये भी रहते हैं। इन्हें भी नियम कायदे कानून पसंद है क्योंकि ये भी किसी न किसी अपने पूर्व कर्मों को भोगी रहे होते हैं। यहाँ पे भूत को कैप्चर करके और उससे अपने मन मुताबिक काम, ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं कि भाई भूत को ऑर्डर दे दो और वो रात को आपके, क्योंकि काम ही इनके रात को है, लकड़ियाँ के ढेर लगा दिए घर के पार, उनको खेत में काम करने को बोल दो, पूरी रात जो पूरी रात कंप्लीट कर दी फसल भी। पर उसमें ऐसे भी कई किस्से जो थोड़े मज़ेदार जैसे सुनने में कि धान बीजने लगे, सुबह जाके देखा बोला वो सारी धान उल्टी बीज के रखी हुई, उल्टी बीज के रखी, जड़े ऊपर की ओर। ये भी नियम मानते हैं, कायदे कानून मानते हैं। ये बस यही है कि वो किस तरह से आप उनको एक तरह से जैसे कैप्चर करते हैं, किस तरह से आप इनको साधते हैं। मेन बात होती है साधना। अगर साध गए बन गई बात, नहीं साधे गए तो उल्टे। और कई तो अब हमारे कुल्लूवी संस्कृति में अब जैसे नीलकंठ जी, हमारे ब्रांड से नीलकंठ महादेव जी है, तो इनका बाण है चेट्टू वाहन मतलब असिस्टेंट जी, चेट्टू मतलब मैक्सिमम जो देवी देवता है किसी ना किसी असुर। आपके नज़र में ना चेट्टू को थोड़ा एक्सप्लेन करो, आपके नज़रिए से क्या चीज़ है चेट्टू? डायन। हाँ। चेट्टू सेम जी। डायन मीन्स लेडी में मतलब कि वो तांत्रिक सिद्धियां कर रही है। हाँ। चेट्टू मीन्स तांत्रिक सिद्धि कर रहा है, मेल वर्जन। अच्छा जी। हाँ। मेल वर्जन। और चेट्टू साधने बड़े आसान होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी फिर एक्टिविटी बड़ी उल्टी सीधी होती है इनकी। ये करते खजल, बहुत खजल करते हैं ये। हाँ। कई हमने हमारे बुजुर्गों से ऐसे भी किस्से सुने हुए हैं कि मतलब कि अपने मालिक का कार्य करके देंगे ये, लेकिन उसमें ये नहीं देखेंगे कि उसका अच्छा हो रहा है कि उसका बुरा हो रहा है, करके दे देना बस। करके दे देना बस। अब उसको कुछ खाने को ला रहा होगा। हाँ। कि भाई अब उसको चेट्टू ने कहीं से ले आया उठा करके। हाँ। वो नहीं देखेगा कि ठंडा है कि गर्म। हाँ। बस हाथ में उछालता ले आएगा, ले तू खा। एक नाना हमारे उन्होंने सुनाया था, बड़ा मजेदार किस्सा था। तो मुझे इतना याद है कि चेट्टू लाया हाथ में, बोला ये ले तू खा, ये तू खाना खा, दोनों हाथ। हाँ। रूहें आपको किसी भी रूप में दिख सकती है, किसी भी रूप में। कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब जैसे ये है वैसे ही दिखेंगे, ये रूप बदल सकते हैं। विद्या इनके पास होती है, विद्या मीन्स वही जादुई विद्या। और 100 तरीके के इनके रंग होते हैं। मतलब आप अब कोई बड़ा ही कोई सिद्ध निकल गया, जैसे साधना में अगर बड़ा ही कोई ज़बरदस्त निकल गया तो फिर वो तो फिर भगवान बचाए उनसे इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो हमारे जो मतलब अगर रात को हम लोग कोई इंसान अकेला चल रहा हो ना जी, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान से सबसे पहली बात का ध्यान ये रखना चाहिए, माइंड सेट क्लियर अपना बढ़िया। दिमाग में सोच पड़ी अगर नेगेटिव, आप डरे हुए घबराए हुए नहीं भी होनी होगी ना चीज़ें, तो हो जाएंगी, तो भी हो जाएगी ना। बहम के भूत ज़्यादा दिखेंगे, भ्रम के भूत ज़्यादा दिखेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ यार, अगर ऐसी कुछ चीज़ हो गई तो। पर ऐसे नेचुरल कई बार होता है, मान लो अकेले जा रहे हैं हम ना, या तो हम जंगल से जा रहे हैं या सड़क से भी जा रहे हैं, तो दिमाग में होता है यार कि पीछे कोई है तो नहीं, पीछे कोई है, दबाव तो पड़ता है, मतलब ऐसे थोड़ा डाउट पड़ता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? ये देख ही लेना चाहिए पीछे की क्या करना। देखो जी, अब जो ये है ना भूत प्रेत, ये भी बड़े चुस्त होते हैं, चालाक होते हैं ये भी। अच्छा। इनको आप पता चल जाता है कि किसके ऊपर क्या असर क्या हो रहा है, डर रहा है घबरा रहा है ना। आदमी को कैप्चर कर लेंगे। वैसे माइंडसेट से ही, हाँ माइंडसेट मेन चीज़ है। हो भी रहा हो ना, इग्नोर करो। हाँ ये है कि स्थिति बड़ी खतरनाक होती है, हो इससे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सिचुएशन खतरनाक होती है ये। कई तो ऐसे होते हैं कि कपड़े खींचे कि पीछे से भाई इतना तो हो जाता है बड़े आराम से हो जाता है, अच्छा कि भाई आपको कोई अचानक से कोई कंकड़ पत्थर रास्ते में जी हम लग रही है, भाई आपको कोई कहीं से गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, कहीं डाल बूटे सरसराहट। तो यही है कि मंत्र जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं है अपने गृह कुंज का ध्यान करो। कहते कि हनुमान चालीसा अगर पढ़े तो ठीक है। हनुमान जी तो फिर वो तो फिर उनके आगे कौन टिक सकता है, उनके आगे तो कोई नहीं टिक सकता ना। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्रद्धा अंदर, मन पक्का, बड़े से बड़ी विपदा भी टल जाती है भाई। पर उस वक्त ऐसा होता है हनुमान चालीसा भी भूल जाता है इंसान। वो तो चलो होता है। पहले इसीलिए हम बात करें ना कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। अब शूट खत्म करके हमें भी घर जाना है, चाहे गाड़ी से जाएं। और आज कुछ समय ही ऐसा बन गया, देखो मैं 3-4 चीज़ें गिना रहा हूँ। एक तो दिन ऐसा चुना हमने जिसमें देवी देवता स्वर्ग की तरफ निकल गए और यहाँ पर राज इस वक्त बहुत पिशाचों का ही है, और ये भी मेरे को नहीं था पता, सच में बोलूँ मैं। दूसरा समय रात का चुना, तीसरा समय टाइमिंग 12 बजे की चुनी, और ये भी मतलब ये पहुँचते हमें 12 बजे ही है, अब इतना ऊपर है। चलिए एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए, है ना, थोड़ा चलना भी पड़ा है, एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए। अगर कुछ चीज़ बनानी है या दिखानी हो, माहौल भी वैसा होना चाहिए। हाँ माहौल तो होना चाहिए वैसा, सोचा तो वैसा ही था कुछ, बट ऐसा ना कुछ ज़्यादा ही माहौल बन जाए, पत्ते गिर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है ना कि वो आज ही हो, वो तो कभी भी हो सकता है, ना वो तो कभी भी हो सकता है। देखो पता क्या मेन सबसे जरूरी होता है, देखो मैं करता हूँ अकेला ड्राइविंग बहुत जी, मेरे को पड़ता है रात को भी जाना, ठीक है। तो भाई मतलब मेरे को भी कई बार, जैसे मान लो मैं सड़क से चल रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा ना धक एकदम से धक होती है। जैसे मान लो मैं तो चंडीगढ़ कुल्लू, चंडीगढ़ हिमाचल, ये तो मेरा चलता ही रहता ना, कभी रात के टाइम जाना, कभी 12 बजे 1 बजे। तो मैं ना एक बार मतलब मेरे साथ ना किस्सा उतना तरीके से नहीं हुआ ना, मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ। मैं आ रहा था चंडीगढ़ से कुल्लू की तरफ, ठीक है, और मैं आ रहा था ये अपने कांडी कटोला होके, ठीक है ओके। तो मतलब मेरे साथ जैसे मैं चल रहा था ना गाड़ी में, तो चलते चलते ना एकदम से आगे ना, मतलब मैं तो चलता हूँ बिल्कुल, मैंने धीमा धीमा म्यूज़िक लगाया है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अकेले हूँ, ये ठीक है। कई बार ना कुछ ऐसा अनयूजुअल हो जाता है, जैसे सड़क होगी एकदम, और सड़क होगी जैसे आगे ना कुछ टहनी आ गई, कुछ एकदम कुछ अनयूजुअल जैसा, जो कि उस समय पता क्या होता है, जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ उस समय ना मेरे को फील ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ। उसके आगे गया मैं, मतलब सोच लो एक किलोमीटर आगे पहुंच गया मैं, फिर मैं टाइम देखा 12 बजकर 2 मिनट। तब आपको थोड़ा 12 बजकर 2 मिनट, और मैंने सोचा यार टहनी कैसे हो सकती है भाई, इधर उधर तो पूरा वो मिट्टी का वो है। बिल्कुल। तब डरा मैं। अच्छा। तब मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट ना मेरी जो साइकोलॉजी है वो मेरे को ना घुमा देती है, ठीक है। ऑन द स्पॉट मेरे को पता नहीं लगता है कि अच्छा ये हुआ है, लेकिन थोड़ी जैसी देर बाद मुझे समझ आती है यार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो ये नहीं है। कई बार कोई आवाज़ आ जाए या किसी ने मेरे को आवाज़ डाल दी, हाँ मैंने भी ये सोच लिया कि यार मेरे को आवाज़ डाली है, चलो मेरे मम्मी ने डाली होगी, दोस्तों ने डाली होगी, भाई ने डाली होगी ना, उस वक्त के लिए इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद यार इतना एहसास होता है, ना तो मेरे दोस्त है, ना तो मेरे घर वाले, या तो कोई नहीं है दूर दूर तक, तो आवाज़ किसकी आई। ये भी एक बड़ा साइकोलॉजिकली नहीं, जब आप टाइम ही 12 बजे का बता रहे हो तो, हाँ, और बाद में टाइम भी देखा, और ऊपर से आप ये भी बात बोल रहे हो कि मैं फलाने जंगली रास्ते से जा रहा था। तो भाई साहब जंगली रास्ते इस वक्त ठीक नहीं होते ना, हाँ। कोई माने कोई नहीं माने, मानता वो है जिसके साथ घटना होती है। घर से बाहर नहीं निकला हो इस टाइम पीरियड में, ऐसे इलाकों से गुजरा नहीं हो, उसको क्या होगा, उसको क्या पता चलेगा जिसके साथ बीती है। कई बंद, ये तो आप जंगल की बात कर रहे हैं, बंदों के साथ घर के अंदर घटनाएं हो जाती है, घर के अंदर बंदों के साथ घर के अंदर ही ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाएगी कि उसको ऐसा कोने में कुछ दिख गया, और तो जो जिसके साथ घटना घटी उसको पता है, नंबर 1। और वैसे ऐसे मैक्सिमम हमारी जो ऑडियंस है वो ये बात से बिल्कुल भी जो इग्नोर नहीं कर सकती कि ये चीज़ें होती ही ना हो। हाँ ये तो है। अब आप बात साइंस जहाँ खत्म होगी ये चीज़ें तो वहीं से शुरू होगी भाई, विज्ञान का भी तो कुछ आधार है, विज्ञान की सीमा भी है ना एक। अब मैं वही चीज़ में नोटिस करता हूँ, जैसे मान लो मुझे नहीं पता देखो साइंस का क्या है, लेकिन कई बार साइंस का मानना क्या है कि भाई ऐसी ये इंसान मर गया, क्लोज सब सिस्टम और कुछ है ही नहीं, ऐसा होता होगा शायद जी। लेकिन बात तब आती है कि यार तब तुम जैसे वो चीज़ें होती है ना, जैसे मरने के बाद आफ्टर लाइफ भी है, कई और सारी चीज़ें हैं जी। किसी के अंदर देवता आना, मतलब मुझे लगता है कि साइंस, देखो मेरे को नहीं है ज्ञान, सच बोलूँ मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि शायद साइंस ये मानती है कि जो अभी है, जो इंसान है, जो दृश्य है, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो ही है, जो नहीं दिख रहा है वो शायद नहीं है। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर आता है ना कोई आत्मा आती है जी जी, तो वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगी साइंस, ये भी एक बात है ना। अब उसे फिर सीधे सीधे मानसिक बीमारी से जोड़ के भी देखा जाता है। हाँ, क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। विज्ञान एक ऐसे थ्योरी पे काम करता है कि कंक्लूजन, निष्कर्ष, मतलब क्या, क्यों, कैसे। लेकिन जो हमारे चेतना के स्तर होते हैं ना, वो इससे कहीं आगे है। पर थ्योरी तो, साइंस की थ्योरी तो चेंज भी होती रहती होगी ना समय के साथ, समय के साथ, तो समय के साथ आराम से। बिल्कुल, वो तो चलो रिसर्च जैसे करते हैं। जो चीज़ न्यूटन कभी छोड़ के गए, आइंस्टाइन ने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, गलत साबित भी कर देते हैं, मतलब क्रॉस कनेक्शन भी हो जाते हैं कई जगह पे। लेकिन ऐसा है कि ये वो जो ये हम बातें कर रहे हैं, जो विषय, जो टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें ही बड़ी डिफरेंट है, चीज़ें बड़ी, क्योंकि जिस पे बीती वो उसने जानी। आप बात कर रहे हैं देवता थे रूह में, इंसानों के रूह में तो भूत भी आ जाते हैं। अब सेम वे में, अब ऐसी अगर एक्टिविटी प्रत्यक्ष किसी के सामने हो जाए तो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या मतलब किस तरह से उसको हैंडल कर सकता है। इसलिए आपने जो गाड़ी वाले अपने किस्से बताए थे कि मैंने इस जगह से ट्रैवल किया, इतने बजे ट्रैवल किया, तो मैंने आपसे एक बात बड़ी पहले डिस्कस की थी, कुछ नहीं आता, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घर से निकलने से पहले अपने गृह कुल से प्रार्थना करो, चलो साथ में, चलो साथ, श्रद्धा होगी, प्रभु के ऊपर भक्ति होगी, विश्वास होगा, खड़े रहेंगे वो, खड़े रहेंगे वो ना। आए जितने मर्जी भूत प्रेत। देव बंशीरा के बारे में जानकारी थोड़ी सी, ऐसी शक्ति, बंदे आए 10, बंदे आए 100, बंशीरा साथ में खड़ा हुआ सबको लिटा देगा। हाँ, बंशीरा मैंने काफी सुना है भाई। बंशीरा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि बंशीरा क्या होता है? वनों का राजा, वनों की शक्ति, जेहर, जोगनिया, बंशीरा जी, ऐसी ऐसी ताकतें हैं ये, इनका पार नहीं है। मतलब ये कहाँ पर होती है, मतलब हर जंगल में? जंगल सारे इनके, वन देवता इस एरिया में भी हो सकता है, वन देवता आराम से, वन देवता, वन देवता। बंशीरा जी के पास तो हाजिरी भूत प्रेत उतारने के लिए लगाई जाती है जी, बंशीरा जी के पास हाजिरी लगती है। ये खुद राक्षस फॉर्म में होते हैं। अच्छा जी, इनकी जब आप वार्ता सुनेंगे ना, इनकी जो देववाणी सुनेंगे ना, जब आप, जब खेल आती है इनके गुरु को, साफ बोल के करते हैं, मनु त देव, नहीं मनु त राक्षस। मेरे को माना देवता हूँ, मेरे नियम कायदे के विरुद्ध गए, मैं राक्षस हूँ, देखना। जेहर और बंशीरा जबरदस्त पावर है ये। जहर और जेहर, 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 जेहर जी, जेहर जी हमारे ग्रीक कुल जी भी है, ग्रीक कुल भी है जी। तो ये तो ऐसी शक्तियाँ हैं कि मतलब इनका तो आप बोलो कि किसी ने सिद्ध किया ना, अगर कोई भी भूत प्रेत आ जाए, फिर आए डाकनी, चुड़ैल आए, पिशाचनी है, जो मर्जी आए, क्योंकि ये फिर इनके भी बाप है। फिर हर एक चीज़ का समाधान होता है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ आपको, बड़ी से बड़ी परेशानी आदमी के साथ घट जाती है, बड़े से बड़े भूत प्रेतों से टकराव हो सकता है। क्योंकि देखो सिटीज़ में ऐसा होता है ना, बाहर सिटीज़ में ऐसा है कि लाइटें हैं हर जगह, बाहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे हो गया, चलो चंडीगढ़ भी मान लिया है ना, क्योंकि वो क्या है कि बंदा रात को 12 बजे चले चाहे सुबह 4 बजे चले, उनके लिए वो सेम ही है ना। दिक्कत कहाँ आती है, हमारे पहाड़ों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और बाकी कहीं भी पहाड़ी इलाकों में। देखो हमें, अगर हम अपने घर जाने में लेट हो गए थोड़ा सा, हमारे घर भी आपको पता है 4-5 किलोमीटर नॉर्मली है पैदल चलना, जरूर होता है। अगर हमारी बस लेट हो गई मान लो, या बस नहीं आई, तो पड़ता पैदल जाना, तो पैदल हो जाता फिर 10-15 किलोमीटर। और अगर उस 10-15 किलोमीटर में हमारी टाइमिंग मिसमैच होगी, मान लो हम जाते थे 6 बजे जी, बस नहीं आई, अब हम पहुँचते पहुँच गए हमारे को 11-12 बज गए जी। नो स्ट्रीट लाइट्स, किसी तरह का कोई भी उजाला है ही नहीं, जंगलों में किसका उजाला हो? तो भाई अब तो चलो डेवलपमेंट आ गई, बात की बात आई। हमारे जो सियाने बुजुर्ग, यानी कि आज से 80-100 साल पीछे हम चले जाओ, आज ठीक है 50 साल पीछे चले जाओ आप, उन सियाणों के पास तो रास्ते ही पैदल थे ना, तो उनके साथ क्यों नहीं किस्से होंगे आज, जिसे शायद आने वाली युवा पीढ़ी मजाक समझेगी कि यार ऐसी भी चीजें कोई होती, व्हाटएवर दिस हैपन। लेकिन कहने का मतलब ये है ना, जो सियाने जंगल के जंगल लांग जाते थे, कहाँ उनके घर। आप बात कर रहे हो मॉल से कुल्लू जाने की, उस टाइम तो मैं बोलूँ किलोमीटर का दायरा भी बड़ा डेंजरस होता था, ये सब जंगली तो था, ये भी मतलब अपना जो हमारा। तो क्यों नहीं ये किससे घटे होंगे, जब देवता हो सकते हैं, जब शक्तियाँ हो सकती है, तो वो तभी है ना वहाँ पे जब वहाँ पर कुछ घटना घटी है तभी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ा सुरक्षा मिल सके। अब अगर यहाँ रोहतांग जाते हुए आप रानी नाला पॉइंट सुना होगा आपने, तो सागू राक्स का इलाका बताते थे इसको। अच्छा जी, सागू राक्स, सागूरा खौड़, तो जो वो नाले वाला पॉइंट है, रानी नाला वाला पॉइंट है, तो वहाँ पर ऐसे भी आए सवेर देर सवेर घटनाएं घटती रहती थी। अभी भी मतलब कि अब तो चलो एक टूरिज्म के हिसाब से वो पॉइंट मतलब उस तरीके से है, लेकिन उस टाइम की बात सोचो आप जब रोड वगैरह कुछ नहीं होते थे। बड़े बड़े भेड़ों के रेवड़ लेके चलने वाले बेचारे ग्लेशियर में दब के मर जाना उन्होंने। अब स्पीति साइड सॉरी कुगती के साइड आपने सुना होगा कितना बड़ा ग्लेशियर आकर के गिर गया, कोई 100 के आसपास भेड़े उसमें दफन हो गई जिंदा। ये तो है प्राकृतिक घटनाएं, लेकिन असलियत में वो जो लेता है ना वो उस इलाके का जो होता है, जो बल्लियाँ जो लेता है ना। जी जी जी, हालांकि वो जो मैंने सागू की आपको बात बताई जो रानी नाला के आसपास के इलाके में जिसकी रूह है, कहते हैं कि अभी भी भटकती है, उसकी रूह अभी भी भटकती है और बल्लियाँ लेती है। तो ऐसे कई पॉइंट है हमारे पास, कई ऐसे स्थान है कि अब तो चलो वही है कि आधुनिकता आ गई है, रोड्स बन गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, लेकिन ऐसा है कि फिर भी आप कई जगह से जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी ऐसी स्थितियों से टकराव हो ही जाएगा या सुनने को मिल जाएगा कि भैया ऐसी घटनाएं घटी है वहाँ पे। एनर्जी आ जाती होगी ना उस समय ना वैसी। जी, और दूसरे वे में अगर मलाना की मैं बात आपको बताऊँ, अब वहाँ का सेम वे में जो जमदग्नि जी बाणासुर के साथ जिनका युद्ध हुआ था, तो बाणासुर को जब उन्होंने पराजित किया था तो बाणासुर से शर्त ली थी उन्होंने, क्योंकि बाणासुर को उन्होंने वहाँ का इलाका छोड़ने को बोला था क्योंकि बाणासुर ने बड़ा उत्पात मचाया हुआ था। तो कहते हैं कि जमदग्नि जी ने शर्त के साथ उसको वहाँ से मुक्ति दी थी, और वो शर्त बाणासुर अब वो भी चुस्त था, वो भी चालाक था, उसको पता था कि अब मेरा इलाका है, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो मेरे को कोई नहीं है, मतलब कि वो एक होता है ना कि अपना मेरा दायरा था, किसी जमाने मेरी बातें होती है भाई, तो वो कुछ ऐसा मैं यहाँ करके जाऊँ कि भाई ताकि आगे आने वाले वक्त तक वो चीज़ें रहें, याद रखे उसको। जी, तो बाणासुर ने जमदग्नि जी से शर्त ली थी कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा लेकिन आप मेरी बोली रहेगी यहाँ पे। अच्छा, मेरी भाषा ही यहाँ पर चलेगी, जो भाषा मेरी है वो आने वाले कभी उसको चेंज नहीं किया जाए भाई। और वो कणाशी जो उनकी जो लैंग्वेज है, मलाना की जो लैंग्वेज है, कणाशी कणाशी भाषा, तो उस भाषा को आज तक आप सेम वे में सुनते आ रहे हैं। तो मेरे को समझ ही नहीं आती, बिल्कुल भी समझ नहीं आती, किसी को समझ नहीं आती, वो नहीं क्यों जो जानकारी। और मैं जब मलाना गया था ना तो मैंने जो लड़का था वहाँ पर जी, तो मैंने उसको बोला ऐसे ही, मैं तो मेरे को नहीं था पता इतना डीप है सिस्टम। जी जी, मैंने बोला यार वो आपस में बात करता कुछ, मैंने कहा यार ऐसा कर तू मेरे को ना 2-4 लाइन अपनी भाषा की सिखा, मैं तेरे को कुल्लू भी सिखाता हूँ। जी, बोलता नहीं मैं अपनी भाषा नहीं सिखा सकता। एकदम शौक में लगे क्या चक्कर क्या है ये। वो एक तरह के वही है ना, उनको कुछ नियम कायदे ही कुछ उस तरह से बन गए। खैर अब तो चलो समय के साथ साथ थोड़ा आदमी भी बदल जाता है। हाँ। लेकिन ये है कि बाणासुर की वो एक शर्त थी कि भाई मेरी भाषा, क्योंकि उसे पता था ना कि अगर मेरी भाषा जिंदा रहेगी तो मैं भी कहीं ना कहीं जिंदा रहूँगा लोगों के जहन में, लोगों के मन में। और कहते हैं कि हालांकि वो इलाका छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी छोटी सी सेम वे में मूर्ति बनाई हुई है मलाना में अभी भी, और वो वहीं मलाना के किसी कमरे में बंद है, वो पिंजरे में बंद करके रखी है वो। और वो इसलिए रखी गई है कि भाई अगर कभी बाणासुर ने गलती से आने की कोशिश की ना तो वो मूर्ति तोड़ दी जाए। अच्छा। ताकि उसका शरीर वैसा ही टूटे जैसे वो मूर्ति टूटते ही खत्म हो जाए भाई। अब ये भी एक प्रोसेस होता है। हाँ। अब किसी वही बात आई ना कि किसी भूत को आप साध रहे हैं। हाँ। किसी भूत के साथ आप समझौता कर रहे हैं, आप सिर्फ समझौता नहीं कर रहे हैं, आप पूरी पीढ़ी का उसके साथ सांठ गांठ कर रहे हैं, उसकी भी और अपनी भी। भूत तो चलो वो तो किस प्रोसेस से या किस तरीके से वो बना है या जो भी बात की बात है, लेकिन आगे को आप तो 70, 80, 90, 100 साल जिएंगे, उसके बाद आपकी अगली पीढ़ी आएगी। तो सेम वे में आपको वो प्रोसेस आगे भी बताना पड़ेगा। अगर उनको बता करके वो प्रोसेस ठीक चलाते तो ठीक है, नहीं बताया तो लपेट लेगा पूरा वंश। तो सेम वे में ये बाणासुर, अब जमदग्नि जी को जानकारी थी कि राक्षस है, असुरयोनि का क्या पता चलता है, कल दिन को वापसी कर ली, हम तो यहाँ हो देव रूप में हो नहीं हो। हाँ। लेकिन ये है कि चलो अब नेगेटिविटी को रोकना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सेम वे में उसकी छोटी सी मूर्ति बना करके पिंजरे में बंद करके अंधेरे कमरे में लटका के रखी है। और ऐसा भी मुझे जहाँ तक जानकारी है तो उसको बलि दी जाती है, अभी भी बाणासुर को उसके नाम की बलि दी जाती है, मतलब कोई भी जीव जंतु की बलि। हाँ, मतलब पशु वगैरह की। और ये बलि जो आम झटके की तरह नहीं होती, उसमें क्या होता है कि सीना चीर करके धड़कता हुआ दिल निकाल के रख देते हैं पत्थर के ऊपर। आपको पता है ये सारी चीजें? पता है। कैसे? ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। अच्छा है, पर लिखी हुई चीज है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लिखी हुई है तो इसे वर्णन करके तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर जो है सो है। तो ये है प्रोसेस। अच्छा, मतलब चीर के दिल, सीना चीर के धड़कता हुआ दिल निकाल के पत्थर के ऊपर रख के, तो जो जिस कमरे में, जिस घर में या जिस जगह में वो है, तो साग रक्सरा मोड़। अच्छा, मोड़ मीन्स बड़ा एक हवेली या ऐसा, मतलब जगह, रक्सरा मोड़, जहाँ पे उसका वो ठिकाना है जहाँ पर उसको रखा गया है। तो भाई जी ऐसा होता है कि जो दिखता है ना एक्चुअल में वो होता नहीं है, उसके अंदर, उसके पीछे कई कहानियाँ होती है। आपने बात बोली बहुत जबरदस्त बोली है, तो मतलब मेरे को लगता है कई ऐसी बातें। ये तो मैंने आपको बाणासुर का रेफरेंस दिया, इसका एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। किसी भी देवता का जो वहाँ पर स्थापना होती है या देवता स्थापित करते हैं खुद को, उसकी किसी ना किसी इतिहास में, अतीत में किसी ना किसी राक्षस के साथ टक्कर हुई है। वो ऐसे ही नहीं, मतलब वहाँ पर, मतलब कि जैसे होता है ना एक, कि देवता को भी रूप सम्मान तब दिया जाता है जब उन्होंने अपने आप को स्थापित किया होता है वहाँ पे। तो बिजौरा के हमने किससे सुने अपने सियाणों से कि ये जो आपके जो आजकल जो हमारे अब जैसे आधुनिकता के साथ साथ अब तो चलो पुलों का निर्माण हो गया है, लेकिन पहले तो दरिये के ऊपर से जो क्या बोलते आदमियों को क्रॉस करवाया जाता था। किसके ऊपर से? दरिये बोलते हैं, दरिये होती थी भैंस की खाले। हाँ हाँ, उसमें वो हवा डालनी, उस पे आदमी बिठाना और वो नदी से पार करवाना। कितना मुश्किल होता होगा यार भाई, इतने ठंडे पानी में ना, कितना कैसे करते थे ना। थी, अब उनके पास ऑप्शन नहीं थे। उसी दरिये के भेष में राक्षस आदमियों को डुबो लेते थे, खा लेते थे। अच्छा, जड़ाक्सी, जड़ाक्सी। अरे राक्षसों के अब कोई जरूर फोटो डालूंगा, मेरे को फोटो मिलेगा ना कहीं, आपके पास भी हो, जब ये बात चल रही होगी ऐसे फोटोज। दरअसल ये पेंटिंग्स वगैरह की में ही मिलेंगे ऐसे फोटोज आपको, क्योंकि ये एंशिएंट बातें भाई, एंशिएंट बातें हैं, ये एंशिएंट बातें हैं, ये मैंने देखा है, मेरे को ये जो सियाणों के मुंह से सुनी। हाँ, जो दरिये की फोटो वो तो मिल जाएगी, दरिये की फोटो। हाँ, तो जो खाल की पूरी शेप होती है उसकी, उसको बस सी के, क्योंकि मजबूत होती है ना, मजबूत होती है। और चलते कैसे थे यार भाई इतना ठंडे पानी में, ऐसे ज्यादा पानी में? तगड़े बुजुर्ग थे हमारे, प्रैक्टिस थी ना उनकी। हमारे सियाणे ही देवतुल्य थे, देवतुल्य थे। आप ये बिजौरा से नीचे को जाओ, जीड़ी, जिसको आज हम बोलते हैं, इसको तो जीड़ बोलते थे। जीड़, जीड़ी क्यों पड़ा नाम? जीड़ झक्कड़, झक्कड़ पूरे कांटेदार, मतलब कि ऐसा घना जंगल, मतलब कि बुरी हालत, मतलब। तो इस जीड़ में कई चेटुभूत, कई चुड़ैलें, किसी को, कईयों को दर्शन हुए, मतलब कि रूहें दिखी है, और मैक्सिमम नदी के आर पार होती हुई कि भाई उन्होंने वो देखी है और वो नदी में गायब। तो अब वो बोल रहे थे कि उस जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो भैंस की खाल को, क्या बोलते हैं? दरिये, दरिये। हाँ जी, दरिये। उसमें भूत साथ में चलते थे, वो स्टोरी बताते हैं, मतलब वही वेश बदल के। अगर कोई रात को, सांझ को अकेला आदमी टकर गया तो उसको दबोच लिया, फिर लग गया उसका, उसको नंबर पानी में क्लोज बंदा। तो ये है इस तरह से। बाकी ऐसा है कि भूत भी बचन के पक्के है, साथ दे काम करके देंगे। और ये है कि फिर इनका खाना या इनके जो जो भी इनका प्रोसेस है। बाकी ऐसे भी कई किस्से काफ़ी सुने हुए हैं कि कई ऐसी भी चीज़ें हुई कि भाई उनको किसी ने दयावश कि भाई ये क्या हाड़ मांस खाता रहता है, इसको दूध और घी भी खिलाते हैं। बस दूध घी दे दिए, उसने देखा कि मेरे ओढ़ में पड़ा हुआ है दूध घी और मैंने तेरे से अपना वचन तोड़ दिया, मैं चला। क्लोज, क्लोज। पत्थर के बड़े बड़े होते थे ना ये अपने, क्या बोलते, कटोरे, बर्तन। अब इनको चलेगा उसमें, हमारी तरह आम आदमी की तरह टुकड़ों में तो खाएंगे नहीं है, इनको तो डालो और खाओ। पर ये है कि ये सदे हुए जिससे है उसी के हाथों का स्वीकार करते थे ये। आम आदमी, दूसरे उसके कोई परिवार के सदस्य होते हैं तो उनसे ये ज्यादा, मतलब कि आमना सामना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि आप कह रहे, आप कर चेट्टू की बात की, भूत की? चेट्टू, भूत कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। चेट्टू तो आप भाई भी बना लो औरतों का, है? हाँ, पति, पति ऐसे, मतलब कि भाई बोलो, बहन बोलो, या ऐसे ऐसे कई, मतलब अदृश्य होगा, अदृश्य रूप में। जहाँ तक मैंने चेटुओं का सुना है तो ये तो बच्चे की मतलब मिडल, थोड़ा यंग एज, जैसे कि मतलब 15-20-25 साल के ऐसे, मतलब कि इनको, मैं जहाँ तक मेरे को पता है तो मतलब जैसे चुलबुले जैसे, मतलब कि थोड़े, मतलब फनी, थोड़े चुप, मतलब कि जैसे शरारती जैसे ना चेटू होते ही ऐसे। भूत थोड़े मेच्योर, भूत थोड़ा मतलब उस तरीके से, असुर, दानव, वो थोड़े जी, रक्स, वो तो बड़ी उम्र वाले हो गए हैं ना। भूत तो फिर, भूत तो जैसे कुछ भी हो सकता है, अब टीवी सीरियल में देख लिए, मूवीज में देख लिए जी, भूत है ये। वो क्या भूत हुए, भूत आओ ना तो पहाड़ों में आओ, पहाड़ों में आओ जो देखो फिर भूत क्या होते हैं। और भूत देखो एक्चुअल में, देखो जब किसी आदमी में घुसते हो, फिर देखो क्या होता है। वो देखो, फिर वो देखो आप सामने सामने क्या क्या खाता है, क्या क्या सामने सामने क्या क्या करता है वो, सामने सामने रूप रंग कैसे दिखाता है वो। तब देखो भूत, फिल्मों में क्या भूत सीजीआई ग्राफिक्स लगा के क्या भूत देखने, भूत देखने तो यहाँ आओ पहाड़ों में आओ। चेटू चेटू मैक्सिमम को तो चेटू फंस जाता है, मैक्सिमम को बड़ा देवता फंस जाता है। अब एक हमारे जो मुझे याद आई, हमारे कई दर्शक ऐसे भी रहे जिन्होंने बड़े देवता के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की थी। तो बड़े देवता या इस तरह से दूसरी चीज़ें भी है जो थोड़ा मतलब कि थोड़ा डेंजरस जैसी हम कह सकते हैं। डेंजर बड़े देवता की छाँव जो मैक्सिमम लेडीज़ को लगती है। हाँ यार ये टॉपिक ना मतलब मैंने जिसको भी पूछा मेरे को ना क्लियर जवाब नहीं मिल पाया किसी से जी। किस वे में पूछा आपने, मतलब क्या पूछा? मैंने यही पूछा उनको कि जैसे ना लड़कियों को ना कई बार उनको ऐसा फील होता है कि उनके साथ ना फिजिकल एक्टिविटी हो रही है जी, जैसे नींद में हो रही है, चलते चलते तक हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है प्रॉपर तरीके से हो रही है जी, जी, जी। उनको समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। हमारे यहाँ पर तो ऐसी अगर कोई एक्टिविटी जो यंग एज की लड़कियों के साथ हो या शादीशुदा मतलब मैक्सिमम औरतों के साथ, वो यही कहलाया जाता है कि वो बड़े देवता की छाँव है उसको भाई। अब बड़े देवता को वो कई बार हमारे जैसे मेरी नारसिंह इस तरह से भी मानते हैं। अब चलिए तो अलग विषय की बातें क्या है, वैसे बड़ा देवता डायरेक्ट बड़ा देवता बोलते हैं इसको, डायरेक्ट नाम नहीं लेते ना, बड़ा देवता बोलते हैं इसको। नाम लेना नहीं लेना वो आदमी की अपनी उसके ऊपर है कि उनका क्या मतलब इसमें विचारधारा है, लेकिन ऐसा है कि मैक्सिमम लेडीज़ को ही होता है ये, मर्दों को इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जितनी जानकारी मुझे है मर्दों से ये चिढ़ता है, मर्दों से चिढ़ता है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान नरेश सिंह प्रहलाद की रक्षा करने आए थे, भला वो किसी का नुकसान क्यों करेंगे? बात की बात। चलो रही बात हमारे कुल्लू संस्कृति की, अब हमारे सियाने थे वो जानते थे चीज़ों को। 1 से 2, 2 से 3 होते होते 10वें आदमी तक वो बातें थोड़ी पलटते हुए पहुंची भाई। चलो इसे बड़ा देवता मानते हैं आदमी, औरतों के ऊपर इसकी, हाँ इतना ज़रूर है कि औरतों के ऊपर इसकी छाँव होती है और इसका जोर होता है मुंडी और गुंडी में औरतों को। अब आप बोलेंगे मुंडी और गुंडी क्या हुई? कभी भी दिमाग घूम जाएगा, कभी भी पाँव चल पड़ेंगे, मतलब कि गुस्सा आ गया मैं चली अपना घर बार छोड़ देना या कहीं भाग लेना, कोई पागलपन के जैसे दौर पर। जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ना जी, और वो भी बड़ी बड़ी अच्छी, इसमें मैं रूहों को ही जोड़ूंगा। अच्छा, आधी इच्छाओं के साथ मरी हुई ये ऐसी फोर्सेज जो कि मतलब कि अपने तंत्र क्रिया करते हुए इतने लेवल तक पहुंच गई थी कि वो मरने के बाद भी रूह के रूप में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि, लेकिन मुझे ना इस बात का ना कभी भी मतलब इसको कहते हैं ना सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला मेरे को, इसमें ना सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला मेरे को। तो कहते हैं कि जैसे ना बड़े देव की छाया पड़ गई औरत पर, ठीक है, और उसके साथ ना अनयूजुअल चीज़ें होती रहती है, इसके साथ उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी भी होती है नींद में, चलते चलते इवन चलते चलते तक। मेरे को डायरेक्ट किसी ने ऐसा बताया सामने, तो भाई इसमें मतलब कैसे हो सकता है? एक मतलब एक रूह ना किसी रियल इंसान के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे संभव है ये चीज़? तंत्र क्रिया में हमें एक मैं बड़ी मोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, इसी के साथ लिंक होगी वो। शुरुआत थोड़ा मैं पहले कर रहा हूँ। तंत्र क्रिया में जो तांत्रिक होता है ना, आपने पुतले बनाते हुए सुना है किसी को? हाँ, वो पुतले सुई जोड़ने में, ठीक है, हो गया ना। बस आप उसको उस आदमी का कुछ शरीर का हिस्सा, बाल हो या कोई कपड़ा या कोई परफ्यूम, ऐसी कोई एक्टिविटी, हाँ जो उसके जो ज्यादा मतलब कि शरीर से लगी हुई हो, मतलब तो ऐसी कोई चीज आप उस तांत्रिक तक पहुंचा दो भाई, और फिर देखो उसके बाद। ये तो ह्यूमन फॉर्म में होने वाली चीजें हैं। तो मेरे को बताओ ना आप, अब जिसे चलो वो बड़ा देवता, जो मैं तो पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मैं नहीं मानता कि बड़ा देवता नरसिंह है, मैं नहीं मानता भाई, ठीक है वो। चलो अब कुछ अलग टॉपिक है तो उसके बारे में जो जानकारी रखते हो अच्छे से। तो जिन्हें अब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो ये वही रूह है जो बिल्कुल एक अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी तरीके से मतलब कि, और मैक्सिमम में इसको औरतों के साथ ही जोड़ा जाता है। तो लेकिन इसको हम बड़े देव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्या कि नहीं भाई? अब ये एक तरह से खींचतानी वाली बात है, ये खींचतानी वाली हो, कुछ इसे ऐसे समझेंगे, कुछ इसे वैसे समझेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे एक नेगेटिव एनर्जी समझता हूँ। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद का उद्धार करने के लिए आए थे। आम जनमानस भी इस बात को समझती है, प्रभु किसी का नुकसान नहीं करते, बिल्कुल, ठीक है जी। लेकिन ये है कि अब यहाँ पर स्थान दे देना। वैसे एक अगर इतिहास के मैं जाऊँ ना, हमारे यहाँ पर रूहानी शक्तियों को आदमी डर से भी पूजते थे। अब किसी चीज़ की अगर आप समझ ना रखते हो, किसी चीज़ से अगर आप पार ना पा सकते हो, तो डर से भी इंसान उसके सामने हाथ जोड़ ही लेता है, जोड़ देता है। एक तरह से उसे वही वो देवता या दान इस तरह से वो दर्जा दे ही बैठते हैं। चलिए चलती हुई आ गई इतिहास से और बंदे मान गए। कहीं 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 तो इसे जैसे राजस्थान का नारसिंह भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसे कई है, मतलब कि कुछ ये मानते हैं और कुछ वो मानते हैं। तो ये टॉपिक है, मतलब कि एक तरह से डिटेल स्टडी का। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी मानता हूँ इसे। जैसे बाकी हम भूत प्रेत चेट्टू या दानव या रक्स की तरह बात करते हैं, सेम वे में ये वही। प्रभु क्यों किसी का नुकसान करेंगे? बिल्कुल, है ना। तो जो रही बात हमारे ये औरतों के साथ इसके संपर्क की, और होता है इसका सिर्फ औरतों के साथ ही है। मर्दों से ये चिढ़ता है। बड़े देव की बात कर रहे हैं। मर्दों से ये चिढ़ता है, और ऐसी सिचुएशन में इसे धर्म भाई बनाना पड़ता है औरतों का। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरे को उस जो मैं जिसने मेरे को बताया था ना, उसने यही बात बोलती मेरे को कि जैसे इसके लिए पूछते हम देवता से जी क्या करना है क्या नहीं करना, तो बोलते कि भाई जी इसको अब जिस औरत के साथ फिजिकली सेक्सुअली एक्टिविटी हो रही है उसको इसका भाई बना दो, धर्म भाई। तो ये चीज उससे मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे, जहाँ भी आप इसके बारे में पता करने जाएंगे देव खेल में यही बात आएगी कि ये आया था मैं खड़ा हुआ। ये आया था मैं खड़ा हुआ, मैं इसका लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, या इसका सामना कर रहा हूँ, मतलब आपके घर का देवता, मैंने इसको रोक के रखा हुआ है भाई। लेकिन ये है कि अब औरतें थोड़ी सी चंचल मन से भी थोड़े हमारे नरम। अब मर्द क्या होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन औरतों को डर जल्दी बैठता है, टेंशन परेशानियाँ स्ट्रेस अलग तरह की चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ती है। ये सच्चाई है। इस तरह से क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में आसानी से वो आ जाती है। हमारी मैक्सिमम यंग एज की जो लड़कियाँ होती है ना, अब सियाणे क्या बोलते थे, अब ये सियाणों की बातें, आज के मॉडर्न ज़माने में ये सारी बातें झूठों पर। सियाणों के बोल थे नौवीं शोरी हुई, मतलब ये अब यंग एज की लड़कियां हैं ना, तो भाई बाल बांध के रखना, सर ढक के रखना। वो ऐसे ही नहीं घुसियाँ मारते थे। वो आखिरकार वो जानते थे कि नकारात्मक और सकारात्मकता में क्या फ़र्क होता है। इसी प्रकार से पुरुषों को भी, मतलब कि भाई अगर आप एक तरह से सेंस एक सोच अच्छी रखते हैं ना अपनी, परिवार वंश बढ़िया चलेगा आपका। लेकिन अगर धूम धड़का हो हल्ला में अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो फिर चीज़ें भी आपको उतनी जल्दी ले डूबती है। तो कई ऐसी चीज़ें होती है ना जो कुछ एक दिखती है, जो हम सामने बैठ करके देख सकते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी होती है जो नहीं देख सकते, उसका सिर्फ असर ही होता है, उसकी सिर्फ छाँव ही पड़ती है, और वो अपने आप फिर काम चलता रहता है। फिर एक मेरा दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, पता नहीं शायद वो देख रहा होगा, वो देखता है पॉडकास्ट, वो देख रहा होगा ज़रूर, तो मैं नाम नहीं लूँगा। उसका एक्सीडेंट हुआ था अपने काइस वाली साइड में, तो ये थोड़ा सा डरावना भी और फनी भी है। काइस वाली साइड बाइक उसको आती नहीं थी चलाने, शायद आती थी या नहीं आती थी, नया नया सीखा था। देखो ना काइस में एक मोड़ है तिखा, आपको याद होगा, देखो हम काइस में जाते हैं ना आगे, काइस से पीछे नाले के साथ में डाउन में आता है तिखा, वहाँ मतलब गाड़ियाँ एक्सीडेंट बहुत। जो ब्लोगी से पहले है वो पॉइंट, जो रायसन वाला पुल नहीं है उससे पहले है वो पॉइंट। उससे पहले है वो पॉइंट। तो ऐसा हुआ कि वो ना एक्सीटर दब गया, ब्रेक की जगह कुछ ऐसा हो गया, वो गया दोनों ही गए बाइक के साथ। और उसके बाद उसकी हालत क्या हुई, उसको ना, अब बंदा बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल ओके था। मैं मिलने गया घर उसके, मैं और मेरे भाई दोनों मिलने गए घर, तो वो पता कि उसको पता नहीं क्या साइको पड़ गया ना, वो था ऐसे ही, हाँ भाई आओ बैठो, मतलब आपस में ही बात, जैसे मैं सामने हूँ ना, मेरे को इतना उसको पता लगा कि मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ सामने खड़ा हुआ हूँ ना, और प्रवीण कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा तू, हाँ बैठो। और जैसे कोई बंदा गुजरा ना यहाँ से, रास्ते से कोई बंदा गुजरा, उसको लगा मैं गया उसके पीछे, भाई बैठो कहाँ जा रहे हो, मतलब इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी उस टाइम में। अभी तो खैर हम मिलते हैं तब हंसी मजाक करते हैं, अब बिल्कुल ओके बंदा, ये अपना इस आईटी लाइन में है तो बड़ा मतलब अच्छा उसमें वो कर रहा है। तो वो उस टाइम उसको ना, उसको मंदिर ले गए, हर जगह ले गए, बहुत सारी जगह लेके गए उसको, पता नहीं क्या। फिर धीरे धीरे उसको ना हो गया था पूरा सिस्टम है, उसको मतलब अपने कपड़ों का तक नहीं लगता था पता कि मैंने क्या पहना हुआ है, इतना मतलब इतने डिटेलिंग में वो साइको में चला गया था। या उसको चोट लगी थी, चोट उतनी नहीं लगी थी ना, वो शायद थोड़ी सी यहाँ लगी थी उसको चोट, थोड़ी सी, और आँख में थोड़ा सा वो था, तो उसको साइको पड़ गया कि हो सकता है कि अगर ड्रा भी होता है ना, हो सकता है वो हुआ हो। ये बात मैं आपकी जोड़ता हूँ यहीं पे, इससे आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इससे बोलते हैं झुकू पड़ना। झुकू पड़ना जी, झुकू पड़ना सबसे ज़्यादा खराब होता है। अच्छा जी, भूत प्रेत की बात ना होना या किसी दूसरी तरह की बात होना वो बात अलग है, झुकू पड़ना ये ठीक नहीं होता। हाँ। ये सिर्फ दिमाग पे असर नहीं डालता है, पूरी बॉडी पे असर डालता है, बॉडी पर असर डालता है ना। झुक को आप किसी भी वे में पढ़ सकते हैं। हाँ। किसी ने आपको जोर से बोल दिया, आप अपनी धुन में बैठे हुए हैं तो एकदम, कई बार आपने किया नहीं, पूरा शरीर हो जाता है एकदम से, ये ठीक नहीं होता। और ऐसे ही अगर झुकू आप ऐसी जगह जहाँ सुनसान हो या भूतिया इलाका हो, जहाँ आपको पहले ही डर पड़ा हुआ हो, डर पड़ा, जैसे आप बोल रहे कि मैं रात को 12 बजे गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और अचानक से आगे से टहनी आई, ऐसे में क्या है वो चीज़, वो टाइम। मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ कि मन पक्का रखो, झुकू पड़ा ना आदमी, बात होगी सुई की नोक के बराबर भी, झुकू पड़ा ना, दूसरी चीज की एंट्री हो जाएगी, बच गई मार फिर ना भाई। मन पक्का रखा ना, सामने भी यहाँ बैठी होगी ना, मन पक्का रखा ना, बाल भी उखाड़ के दिखा वाला। हाँ। और गृह कुल्च का ध्यान। हाँ। नहीं आता मंत्र कोई बात नहीं, नहीं आता कोई ज्ञान नहीं है, कोई चक्कर नहीं, मेरा गृह कुल्च बैठा हुआ है, धागा बांध के रख लो, धागा बांध लो देवता के नाम का, अपने गृह कुल्च का, प्रभु का नाम का धागा बांध लो। जब शक्ति साथ में हो ना, कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। और देवता जोर लगाते हैं, हमको आपको होते हुए पता लगेगा, इनको पहले ही पता होगा। ऐसी घटना हो सकती है, ये चलते साथ में। इसमें मैं आपको अपने पिताजी के नाना का किस्सा जोड़ता हूँ साथ में, छोटा जैसा है, जरूर। कुछ नहीं था, सियाने उस टाइम के, अब जंगलों में जाना, एक्टिविटी, लकड़ी, घास, भाई अब 2-4 बुरा सामना तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। तो कहते हैं कि नाना जी ने बंशीरा सिद्ध किए हुए थे। अच्छा, बंशीरा जी सिद्ध किए हुए थे। हाँ। बंशीरा जी या कोई भी देव शक्ति, खासतौर पे वन देवता या वन देवी। हाँ। अगर आप इनकी सिद्धि करते हैं ना, ये किसी न किसी रूप में आपके साथ चलते हैं। अगर आप सुनसान जंगली रास्ते से जा रहे हैं, रिस्की पॉइंट से जा रहे हैं, यहाँ तक कि जंगली जानवरों से भी आपकी रक्षा करेंगे। तो कहते थे कि नाना जी को जब ये जा रहे हैं ना जंगल से जैसे, तो भाई अब नाना को लगे कहीं कि अब मैं थोड़े रिस्की पॉइंट से, सुनसान पॉइंट से जा रहा हूँ, तो भाई थोड़ा मेरे को ध्यान रखे बोल के, बंदर का रूप ले करके, बंदर बन के पेड़ तो पेड़, साथ नहीं, साथ एक दायरा होता था इनका भी, ह्यूमन के दायरे में टच में नहीं आते थे, दूर पार से, मतलब कि भाई। तो उसने क्या करना है कि कुछ ना कुछ हाथ में लेके फेंकते रहना है नाना को। अच्छा। तू मत चिंता कर भाई, तेरे आगे पीछे ही हूँ मैं। हाँ। एक जगह क्या हुई थी गलती नाना से, कि पिताजी के नाना से, कि जैसे ही ना अपनी वो टॉयलेट करने के बाद या खाने पीने के बाद, जैसे थोड़ा इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप कुछ सिद्धि करते हैं ना, तो आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। अगर साफ़ सफाई में थोड़ी सी भी रहती है तो थोड़ा वो उल्टी भी उसकी मार बचती है। तो क्या हुआ था कि वो खाने पीने और मतलब ऐसे टॉयलेट वगैरह के बाद उन्होंने हाथ नहीं साफ किए और वो आ गया था ब्राग बन के, और वो आया देवदार के पेड़ पर से ही, ऊपर से आया वो। दादा को पता लग गया कि ये हो गया रुष्ट है, उसी टाइम झुक करके माफ कर भाई गलती हुई, उसी टाइम बैक हो गया। नहीं तो अगर आम होता तो नीचे से ऊपर हुआ था ना, आया ऊपर से, टॉप से आया हो नीचे को। हम जब किसी शक्ति का आवाहन करते हैं तो वो शक्ति को सिर्फ हम उससे अपना काम के लिए नहीं करवाते हैं, यानी कि उसका सम्मान भी करना पड़ता है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, शुचिता, शुद्धता, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हम इंसान कुछ भी है, ये है टॉप लेवल। तो ये है कि अगर इनको आप साधते हैं तो इनकी जो भी क्रिया, उनको आप बढ़िया तरीके से फॉलो करो, ये भर के ही देंगे। लेकिन अगर आप दानवों को, डायनों को, भूत प्रेत चिट्टू को करते हैं ना, तो वो एक टाइम के बाद आपको देंगे तो देंगे ज़रूर, लेकिन वो आपसे लेंगे भी। इनका ये होता है फिर। तो देवी देवता और भूत प्रेत दानव, ये है इनके बीच का डिफरेंस। और अब अजयपाल जी देवता हमारे लगवैली के प्रसिद्ध देवता, शक्तिशाली, सप्तऋषियों में इनकी गिनती होती है। इनके बारे में कहा जाता था कि ये दानव थे, पहले दानव थे जी, देवदानी बोलते हैं इनको। और इनकी ये भी है कि भेड़ और भालू साथ साथ चलाते थे ये। अच्छा, इतनी पावर थी। देखो वाला, हमारे कुल्लू घाटी में तो कई ऐसे देव स्थान पा गए जो पहले कभी दानव हुआ करते थे। ऐसे कई देवी देवता है, कई ऐसे, जैसे मैं आपको बंशीरा जेरजी की बात बता रहा हूँ ना, तो जो जेरजी थे, ऋषि पुंडरीक को अपने कंधे पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे पहुँचाया था उन्होंने। और अभी आप बनोगी देवरी जाएंगे ना, जो देवता जेरजी का स्थान है सराण में, तो बीच में एक चट्टान आती है, बड़ी शिला है वो। तो उसमें क्या है, उसमें इनके एक घुटना और एक पंजे का निशान है, सामने की पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को। मतलब वो पुंडरीक ऋषि जी जैसे अपना क्या बोलते हैं, सराण वाले पॉइंट पे आ रहे थे, वो सामने वाली पहाड़ी से, तो थोड़ा रास्ता टफ था ना, डाउन था उतरने को। तो वो बीच में इनको बानर मिला था, बड़ी शेप का बानर मिला, तो उसने इनसे आग्रह किया था कि आप आओ मेरी पीठ पे, मैं आपको ले जाता हूँ भाई। तो उन्होंने पुंडरीक ऋषि जी को यहाँ बिठाया छलांग दे के दूसरी पहाड़ी पे। तो इस तरह से फिर ये इनके असिस्टेंट भी हुए, एक तरह से इनके सहायक हुए मतलब, और देव रूप में पूजे जाने लगे। कोई भी शक्ति जब देवता का स्थान पाती है ना, अपनी नेगेटिविटी को फिर वो छोड़ देती है। अच्छा, और जैसे हमारी हड़िंबा दादी जी एग्जाम्पल बिल्कुल तो है ना। अब उन्होंने जब उनका भाई हड़िंब जिसे भीम ने जो युद्ध में मार दिया था, तो उसके बाद हड़िंबा जी से शादी करने के बाद घटोत्कच जी हुए, तो घटोत्कच जी को राजपाट छोड़ करके डूंगरी में तपस्या की उन्होंने और देवी रूप पाया। मतलब कि ये एक हमारे लिए भी एक शिक्षा है, ये हमारे लिए भी एग्जाम्पल है कि अगर शुभ कर्म करते रहेंगे ना, भला करते रहेंगे ना, आप भी एक अच्छी मतलब कि स्थिति पा सकते हैं जी। इस तरह से तो कई ऐसे हमारे कुल्लू घाटी में, चलो ये तो मैं क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं तो हम बात करें, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि भाई वो पहले कुछ थे और बाद में कुछ हो गए। लेकिन ऐसे भी कई एग्जाम्पल है कि पहले वो देव थे और बाद में वो राक्षस भी बने। ऐसे भी कई एग्जाम्पल है कि उन्हें श्राप मिल गया। ऐसे कई हम अपने पुराणों में, इतिहास में भी ये चीज़ें पढ़ते आए, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है मतलब। तो सेम वे में अगर जो बड़े देवता की जो औरतों के ऊपर छाँव बोलते हैं, तो उसमें मैक्सिमम में ये भी बोला जाता है कि ये चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी जी, सास से बहू को या उससे आगे को, औरतों को ही चलेगा मतलब। तो इसमें तो हम जैसे हम इसमें ये भी इसमें कई निवारण बताते हैं कि जैसे जब नव जोड़ा जो दंपत्ति जब शादी करेगा, तो जो दुल्हन होगी ना, तो जब घर से उसकी विदाई हो रही होगी, तो घर से ही विदाई करते वक्त हाथ पकड़ के लाओ उसको, तो भाई ये चिढ़ जाता है भाई। अच्छा, नहीं तो ये चलता है साथ में। हाँ, साथ में चलेगा ये। तो ये ऐसे कई मतलब कई ऐसी बातें हैं कि आप ऐसी मतलब कि वो करेंगे तो पहले तो आप यकीन ही नहीं करेंगे ये चीजें, लेकिन फिर जब आप देखेंगे कि नहीं भाई ऐसी भी चीजें होती है। हमारा कुल्लू बड़ा भारी रहस्यों से भरा हुआ है, बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। हमारी हिमाचली रेंज में कई ऐसी किस्से है कि मतलब कि आप बंदा यकीन नहीं कर सकता, बाहर का बंदा तो यकीन ही नहीं ना करेगा, बोलेगा ऐसे। हमारे यहाँ पर जो सामने, हमें तो सामने दिखती है ना चीजें। अब आमटा है, अब आमटा तो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन देखो वाला रूह है, आम आदमी वहाँ से आम आराम से उसको महसूस कर सकता है कि भाई कुछ क्रॉस हुआ। इसको तो उत्तर द्वार ही बोलते हैं ना इनको तो, कि भाई आत्माओं की मुक्ति का द्वार है जी। हाँ। तो आते जाते आदमी चला हुआ और उसको लग रहा है, फील हो रहा है उसको, जो जिसकी सेंसिटिव मतलब सेंस तेज होगी जिसकी, तो उसको आराम से पता चल जाएगा कि कुछ मैंने महसूस किया ना। ये तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अभी टाइम 1:30 बज गया ना, तो मेरे को तो 4 ही बज जाएंगे अगर हम ऐसी बातें चलते रहेंगे। टॉपिक्स होते हैं बहुत भाई, क्योंकि पैदल नीचे भी उतरना है। अभी पता नहीं साउंड में, कैमरे में नदी का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, बट दर्शक बताएंगे। हमने कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं डाला है, हम नदी के सच में साथ में है। ठंडा भी है बहुत, लेकिन ठंडा भी है। मेरी पैंट हाथ बिल्कुल, ये भी बता दो ना, एक मेरा लगाया हुआ, एक भाई से मैंने मांगा, मैंने कहा भाई स्पेशल एक दे दे यार, मैंने कहा भाई क्योंकि मेरे हाथ देखो। आज इतना मैं बोल सकता हूँ कि जगह मैच हो गया ना, मैच हो गया हमारे। ये मेरा प्री प्लान था ही नहीं, मेरा ये तो ऊपर वाले का ही प्री प्लान था कि आज के दिन ये सारी चीज़ें होनी थी। चलिए, पोष महीना लगा है, ध्यान रखिएगा। देवी देवता इस टाइम नरोड़ में। हाँ, तो चलिए आज हुआ अलग बात है, पर ऐसा है कि दर्शकों से भी अनुरोध है कि रात के अंधेरे में ज़रा शांति बनाए रखें, और कभी आपको ऐसे कोई पाला पड़े भी कि चलो कहीं दूर पार इमरजेंसी पड़ जाती है खड़े, अपने प्रभु का ध्यान ज़रूर करें। हाँ, क्योंकि हमारा पोष महीना वैसे भी थोड़ा काला महीना, क्योंकि अब जब घर में ही देवी देवताओं का वास नहीं है तो थोड़ा रिस्की जैसा हो जाता है ना, थोड़ा रिस्की जैसा हो जाता है पॉइंट। तो ये है कि थोड़ा प्रभु का ध्यान रखें, और इस टाइम में वैसे बोलते हैं कि जैसे जप पाठ ध्यान होम वगैरह ज़्यादा करने चाहिए, ज़्यादा करने चाहिए। बढ़िया, कुछ नहीं है, परेशानी वाली घबराने वाली बात कोई नहीं होती। भूत प्रेत पहले भी थे, भूत प्रेत आगे भी होंगे। अगर भूत प्रेत है तो देवी देवता भी है, शक्तियाँ भी है। हाँ, ये है कि देवी देवता अपना अंश छोड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली मतलब कि उन पर भी जिम्मेवारियाँ होती है, वो भी रखते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं। तो कुछ एक देवी देवता ऐसे होते हैं कि जो नहीं जाते हैं, वो बैठते हैं मतलब कि जिम्मेवारी। जैसे अगर किसी का कोई असिस्टेंट है देवता, तो भाई मैं जा रहा हूँ तो तू संभाल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो इस तरह से ऐसे कई चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है देवेंद्र भाई आज के लिए हमारा इनफ है, सुबह हो जाएगी नहीं तो हमको बिल्कुल पैदल भी चलना है अभी तक, सामान सुन सारा उठा के। तो अच्छा लगा, मुझे लगता है तीसरी पॉडकास्ट है हमारी, तीसरी है ना। तो दर्शकों ज़रूर आप कमेंट करें और बताएं कि आपको पॉडकास्ट कैसी लगी, क्योंकि मेरा ना अभी जो जोन बन गया ना, मेरा जोर से बोलने वाला नहीं बना है, क्योंकि वैसे भी रात नहीं है अभी तो, चलो इतनी रात है, रात भी है ना, और बहुत ज़्यादा रात है, तो स्लो स्लो ही बोलूँगा मैं आज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और जो नए आए हैं जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे देवेंद्र भाई के जो भी चैनल है, इनके चैनल भी हमारे डिस्क्रिप्शन में ही रहेंगे, तो चैनल और इंस्टाग्राम के जो भी आपके लिंक है, इंस्टाग्राम तो नहीं है, यूट्यूब के जो भी लिंक है, नया शुरू किया है मैंने, नया शुरू किया, तो यार हमारे देवेंद्र भाई को भी सपोर्ट करो। चलिए मेरी भी प्रमोशन हो गई। चलो बिल्कुल बिल्कुल फुल सपोर्ट करो, जाके देखो क्या करते हैं भाई, और नॉलेज तो फिर लाजवाब है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे दर्शकों से कि हाथ फिर के मैं यही बात बोलूँगा आपको, बेशक कई ऐसे होते हैं कि उन्हें बातें मजाक लगती है ना, हम किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, वहाँ हंसी मजाक चल सकता है, ये वो चीज़ें हैं जो जिसके साथ घटती है उसको पता होता है। हाँ। तो कृपा करके ऐसी चीज़ों का मजाक ना बढ़ाएं, क्योंकि कुछ बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो झेल रहे होते हैं। हाँ। भगवान की कृपा से, चलो हम तो एक दो बार ऐसी चीज़ें कि कुछ ऐसा देखा है हमने कि ऐसी कोई नुकसान वाली गतिविधियाँ वैसे किसी के साथ भी ना हो, ये प्रभु सब का रक्षा करे, और पर यह है कि इसे हंसी मजाक ना समझ करके थोड़ा इससे समझने की कोशिश करें कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और चीज़ें बहुत सी ऐसी होती है जो हमारे इंसानी दिमाग से काफ़ी आगे होती है। बस ये है कि समझने की ज़रूरत होती है, और एक तरह का सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं। तो बाकी चलिए, बाकी आपको आप ज्ञानी है हमारे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है ना कि हमारे भाई को एक बार फिर से इसी टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर फिर से आना चाहिए, और ये जो सीरीज़ है हमारी घोस्ट सीरीज़ है, इसका एक और पार्ट 2 बनाना, क्योंकि घोस्ट सीरीज़ का ना हमारा पार्ट 2 ही हो सकता है। बाकी जो हमारा जो पिछली सीरीज़ थी वो थी देवी देवताओं से संबंधित। देखिए घोस्ट की बातें करेंगे, देवी देवता तो आएंगे है ना, देवी देवता के बिना घोस्ट नहीं है, घोस्ट के बिना देवी देवता नहीं है। तो अगर आप इसी का पार्ट 2 भी चाहते हो या नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, तो नेक्स्ट पार्ट करके लिख के कमेंट कर दो भाई, ठीक है। तो बाकी अब इससे ज़्यादा तो क्या बोलें, अब डर भी लग रहा है, ठंड भी लग रही है, गुमनाम है कोई, बदनाम है। मैं तो बोलता हूँ इतनी ये जो वेब से अपना जो भी सीरियल्स वगैरह है ना आजकल चले हुए, नहीं एक बात की बात है, अब ये यहाँ ये बात निकल गई ना, वेब सीरीज तो बड़े मजे लगा के देखेंगे है ना, लेकिन जो अपने जो इतिहास की बातें, कल्चर की बातें होंगी, वो थोड़ा सा फनी वे में चली जाएगी, CGI बनाया हुआ ये वो। अब देखो हम बैठे हैं ना जहाँ पर, हो सकता है हमारे सराउंडिंग में ना दुनिया भर की ऐसी रूहें हो, है भी भाई, दिख नहीं सकती वो, कोई CGI करके हम दिखा नहीं सकते। अब आसपास भी, अब रात के इतने बजे है, नेचुरली चीज़ें घूम रही है, कोई उड़ रही है, कोई घूम रही है, कोई नीचे है, कोई आगे पीछे, हम हैं भरे हुए। अगर आपने जैसे इसमें थोड़ी सी मास्टरी की होगी ना, अगर आप आवाहन करेंगे ना, वो प्रकट हो जाएगी, प्रकट भी हो जाएगी ना, मास्टरी पक्की बात है। बेसिक भी सीख लो, बेसिक सीख लो, कौन सिखाए गए ये तो लेकिन अगर उसको बुलाया गया तो रीज़न भी बताना पड़ेगा ना भाई, आप कर ही उस चीज़ को रहे हैं ना जब आप उसको जानते हैं। हाँ। कोई क्यों करेगा, आप हम जो भी अपने साथी बैठे हुए हैं, किसी को नॉलेज नहीं है तो क्यों, कोई क्यों करेगा। चलो आपने ठीक बोला। मैं एक चीज़ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, अब हम इस रात को, हम ये हमारा समय नहीं है, हम किसी और के समय में चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ने सबसे ये है, अगर हमसे कुछ भूल चुक हुई हो तो हमें माफ़ करना। बाकी एक जो ऐसे तो चलो जो देव जानकार है वो भी ये बात बताते हैं कि बाकी टाइम में जो मर्जी करो, 12 से 3 के बीच में इसमें रखना ध्यान। 4 बजे से परब्रह्म मुहूर्त है, फिर उठो, प्रभु भक्ति करो, घूमो फिरो, फिर ये इनका दायरा है, फिर ये पीछे हट जाते हैं, फिर नहीं। हाँ 12 से 3 थोड़ा, खास तौर पे 12 बजे का, क्योंकि इसमें विज्ञान भी है और तो वही है आसपास सब के लिए। जी सबसे मेरी ये है कि जितनी भी दृश्य शक्तियाँ, चाहे वो देव रूप में हो, चाहे वो दानव रूप में है शक्तियाँ, उन सब से हमारी हाथ जोड़ के ये है कि अगर हमसे कुछ गलती हो तो प्रभु माफ़ करना। हमने लाइट्स भी लगाई है अपनी बैटरी वाली, थोड़ा ताम झाम भी लगाया, तो थोड़ी भूल चुक हुई हो तो उसको माफ़ करना, और अपना बच्चा समझ के हमें आशीर्वाद देना अच्छा वाला, है ना, ये चीज़ है। तो चलिए देखते रहिए तब तक द लिमिटलेस टॉक, पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार दीजिए, और देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट। जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।